हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है किल किल वैसे देखा जाए तो 2023 में बनाई गई और प्रीमियर करवाई गई फिल्म है लेकिन थिएट्रिकली दो हज़ार में रिलीज़ की गई थी तो ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस इसके बारे में बातचीत करेंगे साथ ही में फिल्म का एक डिटेल रिव्यू भी मिलने वाला है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं किल जो 2024 हज़ार चौबीस में रिलीज की गई एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें निखिल नागेश भट्ट ने की हुई है स्टोरी स्क्रीन प्ले उनका था डायलॉग्स में उनको मदद की हुई थी आयिशा सैयद ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है करण जौहर गुनीत मोंगरा अपूर्वा मेहता और अचिन जैन ने इन चार लोगों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के अंडर एक लो मीडियम बजट में बनाई गई फिल्म है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म इंडिया में वहीं पे और में अमेरिका में इस फिल्म को लायंस गेट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म को एक इंडियन इंड फिल्म इंडस्ट्री में अब तक आई हुई एक्शन थ्रिलर फिल्मों में से सबसे ज़्यादा वायलेंट फिल्म की तरह से प्रमोट किया गया था कास्टिंग में आपको लक्ष्य देखने को मिलेंगे राघव जुआल देखने को मिलेंगे आशीष विद्यार्थी हर्ष छाया तान्या मणिकंतला और अभिषेक चौहान देखने को मिलेंगे फिल्म में टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी रफ़ी मोहम्मद ने की हुई है इस फिल्म को एडिट किया हुआ शिव कुमार वी पेनीकर ने इसको करीबन 105 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको करीबन करीबन एक घंटे और 45 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो काफ़ी क्रिस्प रन टाइम के साथ इस फिल्म को तैयार किया हुआ था सेंसर ऑफ सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स है वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बेचे गए थे जिसको आ, सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने खरीदा हुआ था फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे बैकग्राउंड स्कोर के तन सोधा के द्वारा कंपोज़ किया गया था सॉन्ग से वो विक्रम मोन्तरो से शाश्वत सच देवा और हारूण गाविन ने कंपोज किए हुए वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो लक्ष्य इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर करे अमृत का इसके अलावा राघव जोएल इसमें इंटागोनिस का रोल प्ले करे फनी का तनिया मनिकंतला इसमें तुलिका का रोल प्ले कर रही है अभिषेक चौहान ने वीरेश का रोल प्ले किया हुआ है आशीष विद्यार्थी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तुलिका के रोल में सॉरी आशीष विद्यार्थी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे बेनी के रोल में अद्रीजा सिन्हा ने अन आहना का रोल प्ले किया हुआ है हर्ष छाया के द्वारा इस फिल्म में बालदेव सिंह ठाकुर का रोल प्ले किया गया है अवनीश पांडे ने टीटी का रोल प्ले किया हुआ है पार्थ तिवारी ने सिद्धि का रोल प्ले किया हुआ है अक्षय विचारे के द्वारा उजाला का रोल प्ले किया हुआ है जितेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा अखिलेश झा आर पी एफ पर्सनल का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने वहीं पे रुपेश कुमार र पहाड़ी ने इस फिल्म में विष्णु का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको साहेला गंगूरदे देखने को मिलेंगे बदलू के रोल में इसके अलावा इस फिल्म में प्रियम गुप्ता ने कुल्ली का रोल प्ले किया है विवेक कश्यप के द्वारा मुकुंद का रोल प्ले किया गया था समीर कुमार बेबेचन के द्वार कुमार के द्वारा बेचन का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म में कालिब लोगान देखने को मिलेंगे ब्रह्मेश्वर के रोल में मोसे स्मार्ट ने इसमें मुरारी का रोल प्ले किया है रियाज खान के द्वारा सूरज भान का रोल प्ले किया हुआ है शक्ति सिंह के द्वारा लड्डान का रोल प्ले किया हुआ है शिवम परमेर के परमार के द्वारा अमृत फ्रे के फ्रेंड का रोल प्ले किया और बिलाल काजी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इस फिल्म में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रफी मोहम्मद ने की हुई है वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन करीबन इस फिल्म को जब बनाया गया था उसके बाद में तुरंत ही टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में धर्मा प्रोडक्ट और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के द्वारा वहाँ पर उससे पहले एक महीने के पहले ही वहाँ पर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में अनाउंस किया हुआ था कि एक किल करके वो फिल्म बनाने वाले जिसको निखिल नागेश भट्ट डायरेक्ट करेंगे जहाँ पे ये पहले कंटेंट का पार्टनरशिप वहाँ पे अनाउंस की गई थी मई 2023 में वहीं पे बाद में इस फिल्म को टोरंट टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लेटर ऑन एक दो तीन महीनों के बाद प्रीमियर भी करवाया गया था वैसे फिल्म की शूटिंग तो काफ़ी इनिशियल डेज में स्टार्ट करवा दी गई थी लेकिन अनाउंसमेंट थी वो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में मई 2023 में करवाई गई थी बाद में सुभाष के जारा के द्वारा फिल्म के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट का इंटरव्यू लिया गया था वहाँ पर उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में एक्टर और एम एम आर्टिस्ट के द्वारा उनको ट्रेन किया गया है वहीं पे नागेश भट्ट के द्वारा ये भी बताया गया था इंटरव्यू में कि किल एक ओरिजिनल लाइफ जो रियल लाइफ में ट्रेन में एक हुई थी 1995 में उससे इंस्पायर्ड होकर तैयार की गई है तो ये फिल्म के प्रोडक्शन में सभी चीज़ें हुई थी बाद में इस फिल्म को शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था और लेटर ऑन म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करते हुए फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास म्यूजिक के राइट से बारह मिनट अट्ठावन सेकंड का साउंड ट्रैक है फिल्म में टोटल सभी ट्रैक मिला ले तो चार गाने सुनने को मिलेंगे सभी गानों को कंपोज किए किया हुआ है अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा जहाँ पे इस फिल्म का पहला गाना टाइटल ट्रैक किल कावा कावा जिसको लिखा हुआ था शाश्वत सतदेव ने म्यूजिक भी उनका ही था सिंगर थे सुधीर यदुवंशी सांझवी शाश्वत सद्य वहीं पे सेकंड गाना था निकट जिसको गाया हुआ जिसको लिखा हुआ था सिद्धांत कौशल ने हरुण गाविन ने म्यूजिक दिया था रेखा भारद्वाज ने गाया था जागोरा के साइया गाने को लिखा हुआ है शेखर अस्तित्व ने वहीं पे विक्रम मोन्त्रोसो ने म्यूजिक दिया था मोनू राठौड़ विक्रम मोत्रोसो के द्वारा गवाया गया था निकट का जो डांस वर्जन था उसको सिद्धांत कौशल ने लिखा था हरुण गविंद ने म्यूजिक दिया था और शाश्वत सिंह ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रिक थे जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया था पाँच जुलाई दो तक इन सभी गानों को रिलीज किया हुआ था तो ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो किल फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है वहाँ पे सात सितंबर 2023 को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ओर्स इसके राइट्स लाइंस गेट वालों ने लेटर ऑन खरीदे हुए थे जहाँ पे उसके बाद में रीमेक के ऊपर भी बातचीत की गई थी वैसे इस फिल्म को बाद में इंडिया में पाँच जुलाई दो को थिएट्रिकली रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इंडिया के साथ साथ इस फिल्म को और इसमें भी रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज़ जब 5 जुलाई 2024 की फिक्स की गई थी उससे प... उसके बाद में उससे पहले ही अक्टूबर 2023 में लायंस गेट ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ख़रीदे हुए थे नॉर्थ अमेरिका और यूके के लिए जहाँ पे ये पहली ऐसी इंडियन फिल्म थी जो हॉलीवुड स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टली राइट्स ख़रीदे गए थे यू में तो ये पहली बार ऐसा बन हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को स्क्रीन्स भी नॉर्थ अमेरिका में करीबन हज़ार से ज़्यादा मिले हुए थे लायंस गेट वालों ने रोड साइड अट्रैक्शन वालों के साथ मर्ज होते हुए एसोसिएट करते हुए उन्होंने इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकली चार जुलाई 2024 में यूएस में रिलीज़ किया था इंडिया के एक दिन पहले ही इस फिल्म को यूएस में रिलीज़ करवा दिया गया था ए फिल्म्स ने इस फिल्म के इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए थे जहां पे बेब डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इस फिल्म के अर्जेंटीना के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे गए जहां पे फिल्म पाँच सितंबर 2024 हज़ार चौबीस से वहाँ पर प्रीमियर करवाई जाएगी पेरिस फिल्म में इनके द्वारा ब्राज़ीलियन के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे जो 19 सितंबर 2024 से इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे पैराडिस ग्रुप एक्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहाँ पे इसके रशियन थिएट्रिकल राइट्स उन्होंने खरीदे थे जो पाँच पच्चीस जुलाई दो से प्रीमियर करवा दी गई तो इस तरह से अलग अलग जगह पर इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स बेचे गए थे काफ़ी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे गए थे जिसके चलते स्क्रीन्स इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिली हुई थी इस फिल्म का जो रीमेक है उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें सुनने को मिली थी एक जुलाई दो को जहाँ पर फिल्म रिलीज़ होने वाली थी उसे तीन चार दिन पहले ही बताया जा रहा था कि लायंस गेट और एटी सेवन इलेवन एंटरटेनमेंट वॉलोनीस के रीमेक के राइट्स ख़रीदे हुए जहाँ पे इससे पहले उन्होंने जॉन विक फ्रेंचाइज में भी इस में काम किया हुआ था तो उन्होंने अनाउंस किया कि इस फिल्म की इंग्लिश रीमेक वो लोग बनाने वाले बाद में लेटर ऑन बताया गया था कि जो रिमेक्स है जो दूसरी लैंग्वेज में बनेगी अदर देन इंग्लिश वन ऐसा बताया जा रहा था बाद में धर्मा प्रोडक्शन इसे एक ईश्यू इस नोटिस किया हुआ था कि कोई भी लैंग्वेज में किल के रिमेक नहीं बनने वाली तो इस तरह से ये सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हुई थी बाद में इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने क्रिटिक्स की तरफ से जो एक्शन सीक्वेंस है उसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी जहाँ पे इस फिल्म के लीड कास्ट में राघव जुयाल और जिस तरह से लक्ष्य को फिल्म फिल्माया गया था उनको जिस तरह से दिखाया गया था उनकी तारीफ की गई थी ट्रेन में जो छोटी सी जगह में जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस उन्होंने कोरियोग्राफ किए गए थे जिस तरह से एक्टर्स के द्वारा डिलीवर किया गया था सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से उसको हमारे सामने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा हद से तारीफ की गई थी जहाँ पर लोगों को भी ये सभी चीज़ें काफ़ी पसंद आई थी तो एक फिल्म में देखा जाए तो थोड़े पाँच दस मिनट के बाद ही एक रियल एक्शन स्टार्ट करवा दिया जाता है जहाँ पे पहले स्टार्टिंग में पाँच दस मिनट जितना इस फिल्म को थोड़ा बहुत सेटअप किया जाता है और उसके बाद में जो सेटअप हो जाता है उसके बाद में इस फिल्म में ओनली एक्शन देखने को मिलता है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था वैसे एक आर रेटेड फिल्म मानी गई थी बाहर देश के लिए और इंडिया में ए रेटेड फिल्म कहलाई गई थी क्योंकि अपने एक्शन से कौन हो रहा Uh, साथ ही में जो वायलेंस है उसके चलते अब बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म ने पहले दिन इंडिया से करीबन एक करोड़ पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन वर्ड ऑफ माउथ के चलते करीबन तिरसठ परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी दो करोड़ बीस लाख का कलेक्शन सैटरडे के दिन निकला था संडे के दिन इस फिल्म ने और बाईस ग्रोथ दिखाया जिसके चलते दो करोड़ सत्तर लाख का कलेक्शन निकला इस फिल्म का पहला वीकेंड इंडिया से छः करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन निकला हुआ था उसके बाद में मंडे के दिन एक करोड़ तीस लाख ट्यूटडे के दिन एक करोड़ पैंतीस लाख वेनस्डे के दिन एक करोड़ चौबीस लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपने पहले वीक में ग्यारह करोड़ छत्तीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने सेकंड फ्राइडे के ऊपर 80 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का और संडे के दिन एक करोड़ बहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ पचानवे लाख का निकला हुआ था और सेकंड मंडे के ऊपर फिल्म ने बहत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन अस्सी लाख का वेन्स्डे के दिन नब्बे लाख का थर्सडे के दिन तिरसठ लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक फिल्म का करीबन टोटल सात करोड़ का निकला हुआ था उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने 50 लाख का कलेक्शन किया था सैटरडे के दिन 95 लाख का और एक करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने अपने संडे के दिन तीसरे संडे के दिन निकाला हुआ था तो टोटल सत्रह दिनों के अंदर इस फिल्म ने इंडिया में करीबन करीबन बीस करोड़ छियासी लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिसका ग्रोस मकने तो करीबन चौबीस करोड़ तिरासी लाख होता है और इसमें इस फिल्म ने करीबन तो अट्ठारह करोड़ सैंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने फोर्टी थ्री करोड़ और ट्वेंटी लाख का कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा हिट का बेंच मार्क हासिल किया था बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई कैसा कह सकती क्योंकि मिनिमम बजट के साथ आई हुई फिल्म ने और, और, और इंडिया से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था बात करें ओ टी राइट्स की तो फिल्म के ओ टी राइट्स डिजनी प्लस हॉस्टार के पास है तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली अगर देखना है तो डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रप्शन देख सकते हो किल नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि खिल कील फिल्म का जो ओ वर्ज़न है वो आपको डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर देखने को मिलेगा करीबन एक मिनट पर एक घंटे और पैंतालीस मिनट के रन टाइम के साथ तो वहाँ पर फिल्म आप आसानी से देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो ये फिल्म आप आसानी से वहाँ पे इन्जॉय कर पाओगे एक अच्छी फिल्म है ज़रूर देखना चाहिए किल जो 2024 में रिलीज़ की गई एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें निखिल नागेश भट्ट ने की हुई है स्टोरी स्क्रीन प्ले उनका था डायलॉग्स में उनको मदद की हुई थी आयशा सैयद ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है करण जौहर गुनीत मोंगरा अपूर्व मेहता और अचिन जैन ने इन चार लोगों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के अंडर एक लो मीडियम बजट में बनाई गई फिल्म है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म ने इंडिया में वहीं पर ओवरसीज में अमेरिका में इस फिल्म को लायंस गेट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म को एज एक इंडियन इंड फिल्म इंडस्ट्री में अब तक आई हुई एक्शन थ्रिलर फिल्मों में से सबसे ज़्यादा वायलेंट फिल्म की तरह से प्रमोट किया गया था कास्टिंग में आपको लक्ष्य देखने को मिलेंगे राघव जुआल देखने को मिलेंगे आशीष विद्यार्थी हर्ष छाया तान्या मणिकंतला और अभिषेक चौहान देखने को मिलेंगे फिल्म में टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी रफ़ी मोहम्मद ने की हुई है इस फिल्म को एडिट किया हुआ शिव कुमार वी पेनीकर ने इसको करीबन 105 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको करीबन करीबन एक घंटे और 45 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो काफ़ी क्रि क्रिस्प रन टाइम के साथ इस फिल्म को तैयार किया हुआ था सेंसर ऑफ सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स है वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइज में बेचे गए थे जिसको आ, सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने खरीदा हुआ था फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे बैकग्राउंड स्कोर केतन सोधा के द्वारा कंपोज किया गया था सॉन्ग्स से वो विक्रम मोन्तरो से शाश्वत सचदेवा और हारून गाविन ने कंपोज किए हुए वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो लक्ष्य इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे अमृत का इसके अलावा राघव जोहैल इसमें इंटागोनिस का रोल प्ले करे फनी का तनया मिकन तला इसमें तुलिका का रोल प्ले कर रही है अभिषेक चौहान ने वीरेश का रोल प्ले किया हुआ है आशीष विद्यार्थी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तुलिका के रोल में सॉरी uh, आशीष विद्यार्थी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे बेनी के रोल में अद्रीजा सिन्हा ने अन आहना का, का, का रोल प्ले किया हुआ है हर्ष छाया के द्वारा इस फिल्म में बालदेव सिंह ठाकुर का रोल प्ले किया गया है अवनीस पांडे ने टीटी का रोल प्ले किया हुआ है पार्थ तिवारी ने सिद्धि का रोल प्ले किया हुआ है अक्षय विचारे के द्वारा उजाला का रोल प्ले किया हुआ है जितेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा अखिलेश झा आर पी एफ पर्सनल का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने वहीं पे रुपेश कुमार रथत्र पहाड़ी ने इस फिल्म में विष्णु का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको साहेला गंगूरदे देखने को मिलेंगे बदलू के रोल में इसके अलावा इस फिल्म में प्रियम गुप्ता ने कुल्ली का रोल प्ले किया है विवेक कश्यप के द्वारा मुकुंद का रोल प्ले किया गया था समीर कुमार बेचन बे के द्वारा कुमार के द्वारा बेचन का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म में कालिब लोगान देखने को मिलेंगे ब्रह्मेश्वर के रोल में मोसे स्मार्ट ने इसमें मुरारी का रोल प्ले किया हुआ है रियाज खान के द्वारा सूरज भान का रोल प्ले किया हुआ है शक्ति सिंह के द्वारा लड्डान का रोल प्ले किया हुआ है शिवम माँ के परमार के द्वारा अमृत फ्रे के फ्रेंड का रोल प्ले किया और बिलाल काजी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इस फिल्म में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रफ़ी मोहम्मद ने की हुई है वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन करीबन इस फिल्म को जब बनाया गया था उसके बाद में तुरंत ही टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में धर्मा प्रोडक्शन और सिख एंटरटेनमेंट के द्वारा वहाँ पर उससे पहले एक महीने के पहले ही वहाँ पर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में अनाउंस किया हुआ था कि एक किल करके वो फिल्म बनाने वाले जिसको निखिल नागेश भट्ट डायरेक्ट करेंगे जहाँ पे ये पहले कंटेंट का पार्टनरशिप वहाँ पे अनाउंस की गई थी मई 2023 में वहीं पे बाद में इस फिल्म को टोरंट टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लेटर ऑन एक दो तीन महीनों के बाद प्रीमियर भी करवाया गया था वैसे फिल्म की शूटिंग तो काफ़ी इनिशियल डेज में स्टार्ट करवा दी गई थी लेकिन अनाउंसमेंट थी वो तो टोरेंटो फिल्म फेस्टिवल में मई 2023 में करवाई गई थी बाद में सुभाष के जारा के द्वारा फिल्म के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट का इंटरव्यू लिया गया था वहाँ पर उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में एक्टर और एम एम आर्टिस्ट के द्वारा उनको ट्रेन किया गया है वहीं पे नागेश भट्ट के द्वारा ये भी बताया गया था इंटरव्यू में कि किल एक ओरिजिनल लाइफ जो रियल लाइफ में ट्रेन में एक रोबरी हुई थी 1995 में उससे इंस्पायर्ड होकर तैयार की गई है तो ये फिल्म के प्रोडक्शन में सभी चीज़ें हुई थी बाद में इस फिल्म को शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था और लेटर ऑन म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करते हुए फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास म्यूजिक के राइट से बारह मीटर अट्ठावन सेकंड का साउंड ट्रैक है, है। फिल्म में टोटल सभी ट्रैक मिला ले तो चार गाने सुनने को मिलेंगे सभी गानों को कंपोज किए किया हुआ है अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा जहां पे इस फिल्म का पहला गाना टाइटल ट्रैक किल कावा कावा जिसको लिखा हुआ था शाश्वत सदेव ने म्यूजिक भी उनका ही था सिंगर थे सुधीर यदुवंशी सांझवी शाश्वत सत्य वहीं पे सेकंड गाना था निकट जिसको गाया हुआ जिसको लिखा हुआ था सिद्धांत कौशल ने हरुण गाविन ने म्यूजिक दिया था रेखा भारद्वाज ने गाया था जागो राकेश साइया गाने को लिखा हुआ है शेखर अस्तित्व ने वहीं पे विक्रम मंत्रोसो ने म्यूजिक दिया था मोनू राठौड़ विक्रम मंत्रोसो के द्वारा गवाया गया था निकट का जो डांस वर्जन था उसको सिद्धांत कौशल ने लिखा था हरुण गविन ने म्यूजिक दिया था और शाश्वत सिंह ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रिक थे जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया था पाँच जुलाई दो तक इन सभी गानों को रिलीज़ किया हुआ था तो ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो किल फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है वहाँ पे सात सितंबर 2023 को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ओर इसके राइट्स लाइन्स गेट लेटर ऑन खरीदे हुए थे जहाँ पे उसके बाद में रीमेक के ऊपर भी बातचीत की गई थी वैसे इस फिल्म को बाद में इंडिया में पाँच जुलाई दो को थिएट्रिकली रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इंडिया के साथ साथ इस फिल्म को और इसमें भी रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज़ जब पाँच जुलाई 2024 की फिक्स की गई थी उससे प... उसके बाद में उससे पहले ही अक्टूबर 2023 में लायंस गेट ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ख़रीदे हुए थे नॉर्थ अमेरिका और यूके के लिए जहाँ पे ये पहली ऐसी इंडियन फिल्म थी जो हॉलीवुड स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टली राइट्स ख़रीदे गए थे यू में तो ये पहली बार ऐसा बन हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को स्क्रीन्स भी नॉर्थ अमेरिका में करीबन हज़ार से ज़्यादा मिले हुए थे लायंस गेट वालों ने रोड साइड एट्रैक्शन वालों के साथ मर्ज uh, होते हुए एसोसिएट करते हुए उन्होंने इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकली चार जुलाई 2024 में यूएस में रिलीज़ किया था इंडिया के एक दिन पहले ही इस फिल्म को यूएस में रिलीज़ करवा दिया गया था ए फिल्म्स ने इस फिल्म के इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे बेब डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इस फिल्म के अर्जेंटीना के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे गए जहाँ पे फिल्म पाँच सितंबर 2024 हज़ार चौबीस से वहाँ पर प्रीमियर करवाई जाएगी पेरिस फिल्म में इनके द्वारा ब्राज़ीलियन के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे जो 19 सितंबर 2024 से इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे पेराडिस ग्रुप एक्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहाँ पे इसके रशियन थिएट्रिकल राइट्स उन्होंने खरीदे थे जो पाँच पच्चीस जुलाई दो से प्रीमियर करवा दी गई तो इस तरह से अलग अलग जगह पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स बेचे गए थे काफ़ी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे गए थे जिसके चलते स्क्रीनस इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिली हुई थी इस फिल्म का जो रीमेक है उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें सुनने को मिली थी एक जुलाई दो को जहाँ पर फिल्म रिलीज़ होने वाली थी उसे तीन चार दिन पहले ही बताया जा रहा था कि लायंस गेट और एटी सेवन इलेवन एंटरटेनमेंट वॉल इसके रीमेक के राइट्स ख़रीदे हुए जहाँ पे इससे पहले उन्होंने जॉन विक फ्रेंचाइज में भी इस में काम किया हुआ था तो उन्होंने अनाउंस किया कि इस फिल्म की इंग्लिश रीमेक वो लोग बनाने वाले बाद में लेटर ऑन बताया गया था कि जो रिमेक्स है जो दूसरी लैंग्वेज में बनेगी अदर देन इंग्लिश वन ऐसा बताया जा रहा था बाद में धर्मा प्रोडक्शन ने इसे एक इस नोटिस किया हुआ था कि कोई भी लैंग्वेज में किल के रिमेक नहीं बनने वाली तो इस तरह से ये सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हुई थी बाद में इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने कर, क्रिटिक्स की तरफ से जो एक्शन सीक्वेंस है उसकी काफ़ी तारीफ सुनी जहाँ पे इस फिल्म के लीड कास्ट में राघव जुयाल और जिस तरह से लक्ष्य को फिल, फिल्माया गया था उनको जिस तरह से दिखाया गया था उनकी तारीफ की गई थी ट्रेन में जो छोटी सी जगह में जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस उन्होंने कोरियोग्राफ किए गए थे जिस तरह से एक्टर्स के द्वारा डिलीवर किया गया था सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से उसको हमारे सामने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा हद से तारीफ़ की गई थी जहाँ पर लोगों को भी ये सभी चीज़ें काफ़ी पसंद आई थी तो एक फिल्म में देखा जाए तो थोड़े पाँच दस मिनट के बाद ही रियल एक्शन स्टार्ट करवा दिया जाता है जहाँ पे पहले स्टार्टिंग में पाँच दस मिनट जितना इस फिल्म को थोड़ा बहुत सेटअप किया जाता है और उसके बाद में जो सेटअप हो जाता है उसके बाद में इस फिल्म में ओनली एक्शन देखने को मिलता है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था वैसे एक आर रेटेड फिल्म मानी गई थी बाहर देश के लिए और इंडिया में ए रेटेड फिल्म कर कहलाई गई थी क्योंकि अपने एक्शन सिक्वॉन्स और आ, साथ ही में जो वायलेंस है उसके चलते अब बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म ने पहले दिन इंडिया से करीबन एक करोड़ पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन वर्ड ऑफ माउथ के चलते करीबन तिरसठ परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी दो करोड़ बीस लाख का कलेक्शन सैटरडे के दिन निकला था संडे के दिन इस फिल्म ने और बाईस परसेंट ग्रोथ दिखाया जिसके चलते दो करोड़ सत्तर लाख का कलेक्शन निकला इस फिल्म का पहला वीकेंड इंडिया से छः करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन निकला हुआ था उसके बाद में मंडे के दिन एक करोड़ तीस लाख ट्यूटडे के दिन एक करोड़ पैंतीस लाख वेन्स्डे के दिन एक करोड़ चौबीस लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपने पहले वीक में ग्यारह करोड़ छत्तीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने सेकंड फ्राइडे के ऊपर 80 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का और संडे के दिन एक करोड़ बहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ पिचानवे लाख का निकला हुआ था और सेकंड मंडे के ऊपर फिल्म ने बहत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन अस्सी लाख का वेन्स्डे के दिन नब्बे लाख का थर्सडे के दिन तिरसठ लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक फिल्म का, का करीबन टोटल सात करोड़ का निकला हुआ था उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने 50 लाख का कलेक्शन किया था सैटरडे के दिन 95 लाख का और एक करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने अपने संडे के दिन तीसरे संडे के दिन निकाला हुआ था तो टोटल सत्रह दिनों के अंदर इस फिल्म ने इंडिया में करीबन करीबन बीस करोड़ छियासी लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिसका ग्रोस मिने तो करीबन चौबीस करोड़ तिरासी लाख होता है और इसमें इस फिल्म ने करीबन अट्ठारह करोड़ सैंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने फोर्टी थ्री करोड़ और ट्वेंटी लाख का कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा हिट का बेंच मार्क हासिल किया था बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई कैसा कह सकती क्योंकि मिनिमम बजट के साथ आई हुई फिल्म ने और, और इंडिया से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था बात करें ओ टी राइट्स की तो फिल्म के ओ टी टी राइट्स डिजनी प्लस हॉटस्टार के पास है तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली अगर देखना है तो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो किल नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि खिल कील फिल्म का जो ओ वर्जन है वो आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगा करीबन एक मिनट पर एक घंटे और पैंतालीस मिनट के रन टाइम के साथ तो वहाँ पर फिल्म आप आसानी से देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तो ये फिल्म आप आसानी से वहाँ पे इंजॉय कर पाओगे एक अच्छी फिल्म है जरूर देखना चाहिए किल जो 2024 में रिलीज़ की गई एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें निखिल नागेश भट्ट ने की हुई है स्टोरी स्क्रीन प्ले उनका था डायलॉग्स में उनको मदद की हुई थी आयशा सैयद ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है करण जौहर गुनीत मोंगरा अपूर्वा मेहता और अचिन जैन ने इन चार लोगों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के अंडर एक लो मीडियम बजट में बनाई गई फिल्म है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स ने इंडिया में वहीं पर ओवरसीज में अमेरिका में इस फिल्म को लायंस गेट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म को इज एक इंडियन इंड फिल्म इंडस्ट्री में अब तक आई हुई एक्शन थ्रिलर फिल्मों में से सबसे ज़्यादा वायलेंट फिल्म की तरह से प्रमोट किया गया था कास्टिंग में आपको लक्ष्य देखने को मिलेंगे राघव जुआयाल देखने को मिलेंगे आशीष विद्यार्थी हर्ष छाया तान्या मणिकंतला और अभिषेक चौहान देखने को मिलेंगे फिल्म में टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी रफ़ी मोहम्मद ने की हुई है इस फिल्म को एडिट किया हुआ शिव कुमार वी पेनीकर ने इसको करीबन 105 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको करीबन करीबन एक घंटे और 45 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो काफ़ी क्रि क्रिस्प रन टाइम के साथ इस फिल्म को तैयार किया हुआ था सेंसर ऑफ सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स है वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइज में बेचे गए थे जिसको आ, सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने खरीदा हुआ था फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे बैकग्राउंड स्कोर केतन सोधा के द्वारा कंपोज किया गया था सॉन्ग से वो विक्रम मोन्तरो से सव शाश्वत सचदेवा और हारून गाविन ने कंपोज किए हुए वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो लक्ष्य इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर करे अमृत का इसके अलावा राघव जोआल इसमें इंटागोनिस का रोल प्ले करे फ़नी का तनिया मनिकर्णतला इसमें तुलिका का रोल प्ले कर रही है अभिषेक चौहान ने वीरेस का रोल प्ले किया हुआ है आशीष विद्यार्थी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तुलिका के रोल में सॉरी uh, आशीष विद्यार्थी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे बेनी के रोल में अद्रीजा सिन्हा ने अन आहना का रोल प्ले किया हुआ है हर्ष छाया के द्वारा इस फिल्म में बालदेव सिंह ठाकुर का रोल प्ले किया गया है अवनीस पांडे ने टीटी का रोल प्ले किया हुआ है पार्थ तिवारी ने सिद्धि का रोल प्ले किया हुआ है अक्षय विचारे के द्वारा उजाला का रोल प्ले किया हुआ है जितेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा अखिलेश झा आर पर्सनल का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने वहीं पर रूपेश कुमार छत्रपा पहाड़ी ने इस फिल्म में विष्णु का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको साहिल दे देखने को मिलेंगे बदलू के रोल में इसके अलावा इस फिल्म में प्रियम गुप्ता ने कुल्ली का रोल प्ले किया है विवेक कश्यप के द्वारा मुकुंद का रोल प्ले किया गया था समीर कुमार बेचन बे के कुमार के द्वारा बेचन का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म में कालिब लोगान देखने को मिलेंगे ब्रह्मेश्वर के रोल में मोसेस मार्टॉन ने इसमें मुरारी का रोल प्ले किया है रियाज खान के द्वारा सूरज भान का रोल प्ले किया हुआ है शक्ति सिंह के द्वारा लड्डान का रोल प्ले किया हो गया है शिवम परमार के परमार के द्वारा अमृत फ्रे के फ्रेंड का रोल प्ले किया और बिलाल काजी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इस फिल्म में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रफ़ी मोहम्मद ने की हुई है वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन करीबन इस फिल्म को जब बनाया गया था उसके बाद में तुरंत ही टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में धर्मा प्रोडक्शन और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के द्वारा वहाँ पे उससे पहले एक महीने के पहले ही वहाँ पे टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में अनाउंस किया हुआ था कि एक किल करके वो फिल्म बनाने वाले जिसको निखिल नागेश भट्ट डायरेक्ट करेंगे जहाँ पे ये पहले कंटेंट का पार्टनरशिप वहाँ पे अनाउंस की गई थी मई 2023 में वहीं पे बाद में इस फिल्म को टोरंट टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लेटर ऑन एक दो तीन महीनों के बाद प्रीमियर भी करवाया गया था वैसे फिल्म की शूटिंग तो काफ़ी इनिशियल डेज में स्टार्ट करवा दी गई थी लेकिन अनाउंसमेंट थी वो टोरटो फिल्म फेस्टिवल में मई 2023 में करवाई गई थी बाद में सुभाष के जारा के द्वारा फिल्म के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट का इंटरव्यू लिया गया था वहाँ पर उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में एक्टर और एम आर्टिस्ट के द्वारा उनको ट्रेन किया गया है वहीं पे नागेश भट्ट के द्वारा ये भी बताया गया था इंटरव्यू में कि की किल एक ओरिजिनल लाइफ जो रियल लाइफ में ट्रेन में एक रोबरी हुई थी 1995 में उससे इंस्पायर्ड होकर तैयार की गई है तो ये फिल्म के प्रोडक्शन में सभी चीज़ें हुई थी बाद में इस फिल्म को शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था और लेटर ऑन म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करते हुए फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास म्यूजिक के राइट से बारह मीटर अट्ठावन सेकंड का साउंड ट्रैक है फिल्म में टोटल सभी ट्रैक मिला ले तो चार गाने सुनने को मिलेंगे सभी गानों को कंपोज किए किया हुआ है अलग अलग म्यूज़िक कंपोजर के द्वारा जहाँ पे इस फिल्म का पहला गाना टाइटल ट्रैक किल कावा कावा जिसको लिखा हुआ था शाश्वत सतदेव ने म्यूज़िक भी उनका ही था सिंगर थे सुधीर यदुवंशी सांझवी शाश्वत सत्येव वहीं पे सेकंड गाना था निकट जिसको गाया हुआ जिसको लिखा हुआ था सिद्धांत कौशल ने हरुण गाविन ने म्यूजिक दिया था रेखा भारद्वाज ने गाया था जागो राकेश साइया गाने को लिखा हुआ है शेखर अस्तित्व ने वहीं पे विक्रम मंत्रोसो ने म्यूजिक दिया था मोनू राठौड़ विक्रम मंत्रोसो के द्वारा गवाया गया था निकट का जो डांस वर्जन था उसको सिद्धांत कौशल ने लिखा था हरुण गविंद ने म्यूज़िक दिया था और शाश्वत सिंह ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रिक थे जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया था पाँच जुलाई दो तक इन सभी गानों को रिलीज़ किया हुआ था तो ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो किल फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है वहाँ पे सात सितंबर 2023 को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ओर इसके राइट्स लाइन गेट वाला ने लेटर ऑन खरीदे हुए थे जहाँ पर उसके बाद में रीमेक के ऊपर भी बातचीत की गई थी वैसे इस फिल्म को बाद में इंडिया में पाँच जुलाई दो को थिएट्रिकली रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इंडिया के साथ साथ इस फिल्म को और इसमें भी रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज़ जब 5 जुलाई दो की फ़िक्स की गई थी उससे प, उसके बाद में उससे पहले ही अक्टूबर 2023 में लाइंस गेट ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ख़रीदे हुए थे नॉर्थ अमेरिका और यूके के लिए जहाँ पे ये पहली ऐसी इंडियन फिल्म थी जो हॉलीवुड स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टली राइट्स ख़रीदे गए थे यू में तो ये पहली बार ऐसा बन हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को स्क्रीन्स भी नॉर्थ अमेरिका में करीबन हज़ार से ज़्यादा मिले हुए थे लायंस गेट वालों ने रोड साइड एट्रेक्शन वालों के साथ मर्ज होते हुए एसोसिएट करते हुए उन्होंने इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकली चार जुलाई 2024 में यूएस में रिलीज़ किया था इंडिया के एक दिन पहले ही इस फिल्म को यूएस में रिलीज़ करवा दिया गया था ए फिल्म्स ने इस फिल्म के इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे बेब डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इस फिल्म के अर्जेंटीना के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे गए जहाँ पे फिल्म पाँच सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस से वहाँ पर प्रीमियर करवाई जाएगी पेरिस फिल्म में इनके द्वारा ब्राज़ीलियन के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे जो 19 सितंबर 2024 से इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे पेराडिस ग्रुप एक्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहाँ पे इसके रशियन थिएट्रिकल राइट्स उन्होंने खरीदे थे जो पाँच पच्चीस जुलाई दो से प्रीमियर करवा दी गई तो इस तरह से अलग अलग जगह पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स बेचे गए थे काफ़ी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे गए थे जिसके चलते स्क्रीनस इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिली हुई थी इस फिल्म का जो रीमेक है उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें सुनने को मिली थी एक जुलाई दो को जहाँ पर फिल्म रिलीज होने वाली थी उसे तीन चार दिन पहले ही बताया जा रहा था कि लायंस गेट और एटी सेवन इलेवन एंटरटेनमेंट वॉलोनीस के रीमेक के राइट्स ख़रीदे हुए जहाँ पे इससे पहले उन्होंने जॉन विक फ्रेंचाइज में भी इसमें काम किया हुआ था तो उन्होंने अनाउंस किया कि इस फिल्म की इंग्लिश रिमेक वो लोग बनाने वाले बाद में लेटर ऑन बताया गया था कि जो रिमेक्स है जो दूसरी लैंग्वेज में बनेगी अदर देन इंग्लिश वन ऐसा बताया जा रहा था बाद में धर्मा प्रोडक्शन इसे एक इस नोटिस किया हुआ था कि कोई भी लैंग्वेज में किल के रिमेक नहीं बनने वाली तो इस तरह से ये सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हुई थी बाद में इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी इस फिल्म ने करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने कर, क्रिटिक्स की तरफ से जो एक्शन सीक्वेंस है उसकी काफ़ी तारीफ सुनी जहाँ पे इस फिल्म के लीड कास्ट में राघव जुयाल और जिस तरह से लक्ष्य को फिल, फिल्माया गया था उनको जिस तरह से दिखाया गया था उनकी तारीफ की गई थी ट्रेन में जो छोटी सी जगह में जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस उन्होंने कोरियोग्राफ किए गए थे जिस तरह से एक्टर्स के द्वारा डिलीवर किया गया था सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से उसको हमारे सामने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा हद से तारीफ़ की गई थी जहाँ पर लोगों को भी ये सभी चीज़ें काफ़ी पसंद आई थी तो एक फिल्म में देखा जाए तो थोड़े पाँच दस मिनट के बाद ही रियल एक्शन स्टार्ट करवा दिया जाता है जहाँ पे पहले स्टार्टिंग में पाँच दस मिनट जितना इस फिल्म को थोड़ा बहुत सेटअप किया जाता है और उसके बाद में जो सेटअप हो जाता है उसके बाद में इस फिल्म में ओनली एक्शन देखने को मिलता है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था वैसे एक आर रेटेड फिल्म मानी गई थी बाहर देश के लिए और इंडिया में ए रेटेड फिल्म कर कहलाई गई थी क्योंकि अपने एक्शन से हो रहा Uh, साथ ही में जो वायलेंस है उसके चलते अब बात करी इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म ने पहले दिन इंडिया से करीबन एक करोड़ पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन वर्ड ऑफ माउथ के चलते करीबन तिरसठ परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी दो करोड़ बीस लाख का कलेक्शन सैटरडे के दिन निकला था संडे के दिन इस फिल्म ने और बाईस परसेंट ग्रोथ दिखाया जिसके चलते दो करोड़ सत्तर लाख का कलेक्शन निकला इस फिल्म का पहला वीकेंड इंडिया से छः करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन निकला हुआ था उसके बाद में मंडे के दिन एक करोड़ तीस लाख ट्यूटडे के दिन एक करोड़ पैंतीस लाख वेनस्डे के दिन एक करोड़ चौबीस लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपने पहले वीक में ग्यारह करोड़ छत्तीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने सेकंड फ्राइडे के ऊपर 80 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का और संडे के दिन एक करोड़ बहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ पचानवे लाख का निकला हुआ था और सेकंड मंडे के ऊपर फिल्म ने बहत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन अस्सी लाख का वेन्स्डे के दिन नब्बे लाख का थर्सडे के दिन तिरसठ लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक फिल्म का, का करीबन टोटल सात करोड़ का निकला हुआ था उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने 50 लाख का कलेक्शन किया था सैटरडे के दिन 95 लाख का और एक करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने अपने संडे के दिन तीसरे संडे के दिन निकाला हुआ था तो टोटल सत्रह दिनों के अंदर इस फिल्म ने इंडिया में करीबन करीबन बीस करोड़ छियासी लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिसका ग्रोस मिने तो करीबन चौबीस करोड़ तिरासी लाख होता है और इसमें इस फिल्म ने करीबन 18 करोड़ सैंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने 43 करोड़ और 20 लाख का कलेक्शन कर ते हुए एक अच्छा खासा हिट का बेंच मार्क हासिल किया था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई कैसा कह सकते क्योंकि मिनिमम बजट के साथ आई हुई फिल्म ने और, और इंडिया से पॉजिटिव रिस्पांस हासिल करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया हुआ था बात करें ओ टी राइट्स की तो फिल्म के ओ टी राइट्स डिजनी प्लस हॉटस्टार के पास है तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली अगर देखना है तो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो किल नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि खिल कील फिल्म का जो ओ वर्जन है वो आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगा करीबन एक मिनट पे एक घंटे और पैंतालीस मिनट के रन टाइम के साथ तो वहाँ पर फिल्म आप आसानी से देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो ये फिल्म आप आसानी से वहाँ पर इंजॉय कर पाओगे एक अच्छी फिल्म है ज़रूर देखना चाहिए किल जो दो में रिलीज़ की गई एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें निखिल नागेश भट्ट ने की हुई है स्टोरी स्क्रीन प्ले उनका था डायलॉग्स में उनको मदद की हुई थी आयशा सैयद ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है करण जौहर गुनीत मोंगरा अपूर्व मेहता और अचिन जैन ने इन चार लोगों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के अंडर एक लो मीडियम बजट में बनाई गई फिल्म है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स ने इंडिया में वहीं और ओवरसीज में अमेरिका में इस फिल्म को लायंस गेट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म को इज़ एक इंडियन इंड फिल्म इंडस्ट्री में अब तक आई हुई एक्शन थ्रिलर फिल्मों में से सबसे ज़्यादा वायलेंट फिल्म की तरह से प्रमोट किया गया था कास्टिंग में आपको लक्ष्य देखने को मिलेंगे राघव जुआयाल देखने को मिलेंगे आशीष विद्यार्थी हर्ष छाया तान्या मणिकंतला और अभिषेक चौहान देखने को मिलेंगे फिल्म में टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी रफ़ी मोहम्मद ने किए हुई है इस फिल्म को एडिट किया है शिव कुमार वी पेनीकर ने इसको करीबन 105 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फ़िल्म आपको करीबन करीबन एक घंटे और 45 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो काफ़ी क्रिस्प रन टाइम के साथ इस फिल्म को तैयार किया हुआ था सेंसर और सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स है वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइज़ में बेचे गए थे जिसको आ, सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने खरीदा हुआ था फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे बैकग्राउंड स्कोर केतन सोधा के द्वारा कंपोज किया गया था सॉन्ग्स से वो विक्रम मोन्तरो से शाश्वत सचदेवा और हरुण गाविन ने कंपोज किए हुए वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो लक्ष्य इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे अमृत का इसके अलावा राघव जोहैल इसमें इंटागोनिस का रोल प्ले करे फनी का तनया मिकन इसमें तुलिका का रोल प्ले कर रही है अभिषेक चौहान ने वीरेस का रोल प्ले किया हुआ है आशीष विद्यार्थी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तुलिका के रोल में सॉरी आशीष विद्यार्थी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे बेनी के रोल में अदरीजा सिन्हा ने अन आहना का रोल प्ले किया हुआ है हर्ष छाया के द्वारा इस फिल्म में बालदेव सिंह ठाकुर का रोल प्ले किया गया है अवनीस पांडे ने टीटी का रोल प्ले किया हुआ है पार्थ तिवारी ने सिद्धि का रोल प्ले किया हुआ है अक्षय विचारे के द्वारा उजाला का रोल प्ले किया हुआ है जितेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा अखिलेश झा आर पर्सनल का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने वहीं पर रूपेश कुमार र छत्र पहाड़ी पा, पा, ने इस फिल्म में विष्णु का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको साहिल गंगूर दे देखने को मिलेंगे बदलू के रोल में इसके अलावा इस फिल्म में प्रियम गुप्ता ने कुल्ली का रोल प्ले किया है विवेक कश्यप के द्वारा मुकुंद का रोल प्ले किया गया था समीर कुमार बेबेचन के द्वारा कुमार के द्वारा बेचन का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म में कालिब लोगान देखने को मिलेंगे ब्रह्मेश्वर के रोल में मोसे स्मार्ट ने इसमें मुरारी का रोल प्ले किया है रियाज खान के द्वारा सूरज भान का रोल प्ले किया हुआ है शक्ति सिंह के द्वारा लड्डान का रोल प्ले किया हुआ है शिवम माँ के परमार के द्वारा अमृत फ्रे के फ्रेंड का रोल प्ले किया और बिलाल काजी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इस फिल्म में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रफ़ी मोहम्मद ने की हुई है वहीं पर इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन करीबन इस फिल्म को जब बनाया गया था उसके बाद में तुरंत ही टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में धर्मा प्रोडक्शन और सिख्या एंटरटेनमेंट के द्वारा वहाँ पे उससे पहले एक महीने के पहले ही वहाँ पे टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में अनाउंस किया हुआ था कि एक किल करके वो फिल्म बनाने वाले जिसको निखिल नागेश भट्ट डायरेक्ट करेंगे जहाँ पे ये पहले कंटेंट का पार्टनरशिप वहाँ पे अनाउंस की गई थी मई 2023 में वहीं पे बाद में इस फिल्म को टोरंट टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लेटर ऑन एक दो तीन महीनों के बाद प्रीमियर भी करवाया गया था वैसे फिल्म की शूटिंग तो काफ़ी इनिशियल डेज में स्टार्ट करवा दी गई थी लेकिन अनाउंसमेंट थी वो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में मई 2023 में करवाई गई थी बाद में सुभाष के जारा के द्वारा फिल्म के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट का इंटरव्यू लिया गया था वहाँ पर उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में एक्टर और एम आर्टिस्ट के द्वारा उनको ट्रेन किया गया है वहीं पे नागेश भट्ट के द्वारा ये भी बताया गया था इंटरव्यू में कि की किल एक ओरिजिनल लाइफ जो रियल लाइफ में ट्रेन में एक रोबरी हुई थी 1995 में उससे इंस्पायर्ड होकर तैयार की गई है तो ये फ़िल्म के प्रोडक्शन में सभी चीज़ें हुई थी बाद में इस फिल्म को शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था और लेटर ऑन म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करते हुए फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास म्यूजिक के राइट से बारह मीटर अट्ठावन सेकंड कहीं साउंड ट्रैक है, है। फिल्म में टोटल सभी ट्रैक मिला ले तो चार गाने सुनने को मिलेंगे सभी गानों को कंपोज किए किया हुआ है अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा जहाँ पे इस फिल्म का पहला गाना टाइटल ट्रैक किल कावा कावा जिसको लिखा हुआ था शाश्वत सदेव ने म्यूजिक भी उनका ही था सिंगर थे सुधीर यदुवंशी सांझवी शाश्वत सद्य वहीं पे सेकंड गाना था निकट जिसको गाया हुआ जिसको लिखा हुआ था सिद्धांत कौशल ने हरुण गाविन ने म्यूजिक दिया था रेखा भारद्वाज ने गाया था जागो राखेश साइया गाने को लिखा हुआ है शेखर अस्तित्व ने वहीं पे विक्रम मोन्तोसो ने म्यूजिक दिया था मोनू राठौड़ विक्रम मोन्त्रोसो के द्वारा गवाया गया था निकट का जो डांस वर्जन था उसको सिद्धांत कौशल ने लिखा था हरुण गवीर ने म्यूजिक दिया था और शाश्वत सिंह ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रिक थे जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया था पाँच जुलाई दो तक इन सभी गानों को रिलीज़ किया हुआ था तो ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो किल फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है वहाँ पे सात सितंबर 2023 को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरस इसके राइट्स लाइंस गेट वालों ने लेटर ऑन खरीदे हुए थे जहाँ पे उसके बाद में रीमेक के ऊपर भी बातचीत की गई थी वैसे इस फिल्म को बाद में इंडिया में पाँच जुलाई दो को थिएट्रिकली रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इंडिया के साथ साथ इस फिल्म को और इसमें भी रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज़ जब 5 जुलाई 2023 की फ़िक्स की गई थी उससे प, उसके बाद में उससे पहले ही अक्टूबर 2023 में लाइंस गेट ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए थे नॉर्थ अमेरिका और यूके के लिए जहाँ पे ये पहली ऐसी इंडियन फिल्म थी जो हॉलीवुड स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टली राइट्स ख़रीदे गए थे यू में तो ये पहली बार ऐसा बना हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को स्क्रीन्स भी नॉर्थ अमेरिका में करीबन हज़ार से ज़्यादा मिले हुए थे लायंस गेट वालों ने रोड साइड एट्रैक्शन वालों के साथ मर्ज होते हुए एसोसिएट करते हुए उन्होंने इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकली चार जुलाई 2024 में यूएस में रिलीज़ किया था इंडिया के एक दिन पहले ही इस फिल्म को यू में रिलीज़ करवा दिया गया था ए फिल्म्स ने इस फिल्म के इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे बेब डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इस फिल्म के अर्जेंटीना के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे गए जहाँ पे फिल्म पाँच सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस से वहाँ पर प्रीमियर करवाई जाएगी पेरिस फिल्म में इनके द्वारा ब्राज़ीलियन के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे जो उन्नीस सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस से इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे पेराडि ग्रुप एक्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहाँ पे इसके रशियन थिएट्रिकल राइट्स उन्होंने खरीदे थे जो पाँच पच्चीस जुलाई दो हज़ार चौबीस से प्रीमियर करवा दी गई तो इस तरह से अलग अलग जगह पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स बेचे गए थे काफ़ी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे गए थे जिसके चलते स्क्रीनस इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिली हुई थी इस फिल्म का जो रीमेक है उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें सुनने को मिली थी एक जुलाई दो को जहाँ पर फिल्म रिलीज होने वाली थी उसे तीन चार दिन पहले ही बताया जा रहा था कि लायंस गेट और एटी सेवन इलेवन एंटरटेनमेंट वॉलोनीस के रीमेक के राइट्स ख़रीदे हुए जहाँ पे इससे पहले उन्होंने जॉन विक फ्रेंचाइज में भी इसमें काम किया हुआ था तो उन्होंने अनाउंस किया कि इस फिल्म की इंग्लिश रिमेक वो लोग बनाने वाले बाद में लेटर ऑन बताया गया था कि जो रिमेक्स है जो दूसरी लैंग्वेज में बनेगी अदर देन इंग्लिश वन ऐसा बताया जा रहा था बाद में धर्मा प्रोडक्शन इसे एक ईश्यू नोटिस किया हुआ था कि कोई भी लैंग्वेज में किल के रिमेक नहीं बनने वाली तो इस तरह से ये सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हुई थी बाद में इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने कर, क्रिटिक्स की तरफ से जो एक्शन सीक्वेंस है उसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी जहाँ पे इस फिल्म के लीड कास्ट में राघव जुयाल और जिस तरह से लक्ष्य को फिल, फिल्माया गया था उनको जिस तरह से दिखाया गया था उनकी तारीफ की गई थी ट्रेन में जो छोटी सी जगह में जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस उन्होंने कोरियोग्राफ किए गए थे जिस तरह से एक्टर्स के द्वारा डिलीवर किया गया था सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से उसको हमारे सामने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा हद से तारीफ़ की गई थी जहाँ पर लोगों को भी ये सभी चीज़ें काफ़ी पसंद आई थी तो एक फिल्म में देखा जाए तो थोड़े पाँच दस मिनट के बाद ही रियल एक्शन स्टार्ट करवा दिया जाता है जहाँ पे पहले स्टार्टिंग में पाँच दस मिनट जितना इस फिल्म को थोड़ा बहुत सेटअप किया जाता है और उसके बाद में जो सेटअप हो जाता है उसके बाद में इस फिल्म में ओनली एक्शन देखने को मिलता है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था वैसे एक आर रेटेड फिल्म मानी गई थी बाहर देश के लिए और इंडिया में ए रेटेड फिल्म कहलाई गई थी क्योंकि अपने एक्शन सिक्वानस और आ, साथ ही में जो वायलेंस है उसके चलते अब बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म ने पहले दिन इंडिया से करीबन एक करोड़ पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन वर्ड ऑफ माउथ के चलते करीबन तिरसठ परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी दो करोड़ बीस लाख का कलेक्शन सैटरडे के दिन निकला था संडे के दिन इस फिल्म ने और बाईस ग्रोथ दिखाया जिसके चलते दो करोड़ सत्तर लाख का कलेक्शन निकला इस फिल्म का पहला इंडिया से छः करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन निकला हुआ था उसके बाद में मंडे के दिन एक करोड़ तीस लाख टूटे के दिन एक करोड़ पैंतीस लाख वेनसडे के दिन एक करोड़ चौबीस लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपने पहले वीक में ग्यारह करोड़ छत्तीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने सेकंड फ्राइडे के ऊपर 80 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का और संडे के दिन एक करोड़ बहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ पिचानवे लाख का निकला हुआ था और सेकंड मंडे के ऊपर फिल्म ने बहत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन अस्सी लाख का वेन्स्डे के दिन नब्बे लाख का थर्सडे के दिन तिरसठ लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक फिल्म का करीबन टोटल सात करोड़ का निकला हुआ था उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने पचास लाख का कलेक्शन किया था सैटरडे के दिन नाइन्टी लाख का और एक करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने अपने संडे के दिन तीसरे संडे के दिन निकाला हुआ था तो टोटल सत्रह दिनों के अंदर इस फिल्म ने इंडिया में करीबन करीबन बीस करोड़ छियासी लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिसका ग्रोस मिन्हें तो करीबन चौबीस करोड़ तिरासी लाख होता है और इसमें इस फिल्म ने करीबन अट्ठारह करोड़ सैंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने फोर्टी थ्री करोड़ और ट्वेंटी लाख का कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा हिट का बेंच मार्क हासिल किया था बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई कैसा कह सकते क्योंकि मिनिमम बजट के साथ आई हुई फिल्म नेवरसीस और, और इंडिया से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था बात करें ओ टी टी राइट्स की तो फिल्म के ओ टी टी राइट रीजनी प्लस हॉटस्टार के पास है तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली अगर देखना है तो डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर विथ इंग्लिस विध सब्सक्रिप्शन देख सकते हो किल नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ किल फिल्म का जो ओ वर्जन है वो आपको डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर देखने को मिलेगा करीबन एक मिनट पर एक घंटे और पैंतालीस मिनट के रन टाइम के साथ तो वहाँ पर फिल्म आप आसानी से देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तो ये फिल्म आप आसानी से वहाँ पर इंजॉय कर पाओगे एक अच्छी फिल्म है जरूर देखना चाहिए किल जो 2024 में रिलीज की गई एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें निखिल नागेश भट्ट ने की हुई है स्टोरी स्क्रीन प्ले उनका था डायलॉग्स में उनको मदद की हुई थी आयिशा सैयद ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है करण जौहर गुनीत मोंगरा अपूर्वा मेहता और अचिन जैन ने इन चार लोगों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के अंडर एक लो मीडियम बजट में बनाई गई फिल्म है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ ए फिल्म ने इंडिया में वहीं पे और में अमेरिका में इस फिल्म को लायंस गेट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म को इस एक इंडियन इंड फिल्म इंडस्ट्री में अब तक आई हुई एक्शन थ्रिलर फिल्मों में से सबसे ज़्यादा वायलेंट फिल्म की तरह से प्रमोट किया गया था कास्टिंग में आपको लक्ष्य देखने को मिलेंगे राघव जुआयाल देखने को मिलेंगे आशीष विद्यार्थी हर्ष छाया तान्या मणिकंतला और अभिषेक चौहान देखने को मिलेंगे फिल्म में टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी रफी मोहम्मद ने किए हुए इस फिल्म को एडिट किया हुआ शिव कुमार वी पेनीकर ने इसको करीबन 105 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको करीबन करीबन एक घंटे और 45 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो काफ़ी क्रिस्प रन टाइम के साथ इस फिल्म को तैयार किया हुआ था सेंसर ऑफ सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स है वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बेचे गए थे जिसको सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने ख़रीदा हुआ था फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे बैकग्राउंड स्कोर केतन सोधा के द्वारा कंपोज़ किया गया था सॉन्ग्स थे वो विक्रम मोन्तरो से शाश्वत सचदेवा और हारूण गाविन ने कंपोज किए हुए वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो लक्ष्य इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर करे अमृत का इसके अलावा राघव जोएल इसमें इंटागोनिस का रोल प्ले करे फनी का तनिया मनिकंतला इसमें तुलिका का रोल प्ले कर रही है अभिषेक चौहान ने वीरेश का रोल प्ले किया हुआ है आशीष विद्यार्थी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तुलिका के रोल में सॉरी uh, आशीष विद्यार्थी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे बेनी के रोल में अदरीजा सिन्हा ने अन आहना का रोल प्ले किया हुआ है हर्ष छाया के द्वारा इस फिल्म में बालदेव सिंह ठाकुर का रोल प्ले किया गया है अवनीस पांडे ने टी, -टी का रोल प्ले किया हुआ है पार्थ तिवारी ने सिद्धि का रोल प्ले किया हुआ है अक्षय विचारे के द्वारा उजाला का रोल प्ले किया हुआ है जितेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा अखिलेश झा आर पर्सनल का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने वहीं पर रूपेश कुमार र छत्र पहाड़ी पा, ने इस फिल्म में विष्णु का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको साहेला गंगूर देखने को मिलेंगे बदलू के रोल में इसके अलावा इस फिल्म में प्रियम गुप्ता ने कुल्ली का रोल प्ले किया है विवेक कश्यप के द्वारा मुकुंद का रोल प्ले किया गया था समीर कुमार बेबेचन के द्वारा कुमार के द्वारा बेचन का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म में कालिब लोगान देखने को मिलेंगे ब्रह्मेश्वर के रोल में मोसे मार्टॉन ने इसमें मुरारी का रोल प्ले किया है रियाज खान के द्वारा सूरज भान का रोल प्ले किया हुआ है शक्ति सिंह के द्वारा लड्डान का रोल प्ले किया हुआ है शिवम परमेर के परमार के द्वारा अमृत फ्रे के फ्रेंड का रोल प्ले किया और बिलाल काजी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इस फिल्म में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रफ़ी मोहम्मद ने की हुई है वहीं पर इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन करीबन इस फिल्म को जब बनाया गया था उसके बाद में तुरंत ही टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में धर्मा प्रोडक्शन और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के द्वारा वहाँ पे उससे पहले एक महीने के पहले ही वहाँ पे टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में अनाउंस किया हुआ था कि एक किल करके वो फिल्म बनाने वाले जिसको निखिल नागेश भट्ट डायरेक्ट करेंगे जहाँ पे ये पहले कंटेंट का पार्टनरशिप वहाँ पे अनाउंस की गई थी मई 2023 में वहीं पे बाद में इस फिल्म को टोर टोरंटो टौ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लेटर ऑन एक दो तीन महीनों के बाद प्रीमियर भी करवाया गया था वैसे फिल्म की शूटिंग तो काफ़ी इनिशियल डेज में स्टार्ट करवा दी गई थी लेकिन अनाउंसमेंट थी वो टोरटो फिल्म फेस्टिवल में मई 2023 में करवाई गई थी बाद में सुभाष के जारा के द्वारा फिल्म के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट का इंटरव्यू लिया गया था वहाँ पर उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में एक्टर और एम एम आर्टिस्ट के द्वारा उनको ट्रेन किया गया है वहीं पे नागेश भट्ट के द्वारा ये भी बताया गया था इंटरव्यू में कि की किल एक ओरिजिनल लाइफ जो रियल लाइफ में ट्रेन में एक रोबरी हुई थी 1995 में उससे इंस्पायर्ड होकर तैयार की गई है तो ये फ़िल्म के प्रोडक्शन में सभी चीज़ें हुई थी बाद में इस फिल्म को शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था और लेटर ऑन म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करते हुए फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास म्यूजिक के राइट से बारह मिनट अट्ठावन सेकंड का साउंड ट्रैक है, है फिल्म में टोटल सभी ट्रैक मिला ले तो चार गाने सुनने को मिलेंगे सभी गानों को कंपोज किए किया हुआ है अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा जहाँ पे इस फिल्म का पहला गाना टाइटल ट्रैक किल कावा कावा जिसको लिखा हुआ था शाश्वत सतदेव ने म्यूजिक भी उनका ही था सिंगर थे सुधीर यदुवंशी सांझवी शाश्वत सद्य वहीं पे सेकंड गाना था निकट जिसको गाया हुआ जिसको लिखा हुआ था सिद्धांत कौशल ने हरुण गाविन ने म्यूजिक दिया था रेखा भारद्वाज ने गाया था जागोरा के साइया गाने को लिखा हुआ है शेखर अस्तित्व ने वहीं पे विक्रम मोन्त्रोसो ने म्यूजिक दिया था मोनू राठौड़ विक्रम मोत्रोसो के द्वारा गवाया गया था निकट का जो डांस वर्जन था उसको सिद्धांत कौशल ने लिखा था हरुण गवीन ने म्यूज़िक दिया था और शाश्वत सिंह ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रिक थे जिसको दो हज़ार बाईस से रिकॉर्ड किया था पाँच जुलाई दो तक इन सभी गानों को रिलीज किया हुआ था तो ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो किल फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है वहाँ पे सात सितंबर 2023 को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ओर्स इसके राइट्स लाइन गेट वालों ने लेटर ऑन खरीदे हुए थे जहाँ पे उसके बाद में रीमेक के ऊपर भी बातचीत की गई थी वैसे इस फिल्म को बाद में इंडिया में पाँच जुलाई दो को थिएट्रिकली रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इंडिया के साथ साथ इस फिल्म को और इसमें भी रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज़ जब 5 जुलाई दो की फिक्स की गई थी उससे प... उसके बाद में उससे पहले ही अक्टूबर 2023 में लायंस गेट ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए थे नॉर्थ अमेरिका और यूके के लिए जहाँ पे ये पहली ऐसी इंडियन फिल्म थी जो हॉलीवुड स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टली राइट्स खरीदे गए थे यूएस में तो ये पहली बार ऐसा बना हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को स्क्रीन्स भी नॉर्थ अमेरिका में करीबन हज़ार से ज़्यादा मिले हुए थे लायंस गेट वालों ने रोड साइड एट्रैक्शन वालों के साथ मर्ज होते हुए एसोसिएट करते हुए उन्होंने इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकली चार जुलाई 2024 में यूएस में रिलीज़ किया था इंडिया के एक दिन पहले ही इस फिल्म को यूएस में रिलीज़ करवा दिया गया था ए फिल्म्स ने इस फिल्म के इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे बेब डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इस फिल्म के अर्जेंटीना के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे गए जहाँ पे फिल्म पाँच सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस से वहाँ पर प्रीमियर करवाई जाएगी पेरिस फिल्म में इनके द्वारा ब्राजीलियन के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे जो उन्नीस सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस से इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे पेराडिस ग्रुप एक्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहाँ पे इसके रशियन थिएट्रिकल राइट्स उन्होंने खरीदे थे जो पाँच पच्चीस जुलाई दो हज़ार चौबीस से प्रीमियर करवा दी गई तो इस तरह से अलग अलग जगह पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स बेचे गए थे काफ़ी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे गए थे जिसके चलते स्क्रीन्स इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिली हुई थी इस फिल्म का जो रीमेक है उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें सुनने को मिली थी एक जुलाई दो को जहाँ पर फिल्म रिलीज़ होने वाली थी उसे तीन चार दिन पहले ही बताया जा रहा था कि लायंस गेट और एटी सेवन इलेवन एंटरटेनमेंट वॉलोनीस के रीमेक के राइट्स ख़रीदे हुए जहाँ पे इससे पहले उन्होंने जॉन विक फ्रेंचाइज में भी इस में काम किया हुआ था तो उन्होंने अनाउंस किया कि इस फिल्म की इंग्लिश रीमेक वो लोग बनाने वाले बाद में लेटर ऑन बताया गया था कि जो रीमेक्स है जो दूसरी लैंग्वेज में बनेगी अदर देन इंग्लिश वन ऐसा बताया जा रहा था बाद में धर्मा प्रोडक्शन इसे एक ईश्यू इस नोटिस किया हुआ था कि कोई भी लैंग्वेज में किल के रीमेक नहीं बनने वाली तो इस तरह से ये सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हुई थी बाद में इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने कर, क्रिटिक्स की तरफ से जो एक्शन सीक्वेंस है उसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी जहाँ पे इस फिल्म के लीड कास्ट में राघव जुयाल और जिस तरह से लक्ष्य को फिल, फिल्माया गया था उनको जिस तरह से दिखाया गया था उनकी तारीफ की गई थी ट्रेन में जो छोटी सी जगह में जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस उन्होंने कोरियोग्राफ किए गए थे जिस तरह से एक्टर्स के द्वारा डिलीवर किया गया था सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से उसको हमारे सामने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा हद से तारीफ की गई थी जहाँ पर लोगों को भी ये सभी चीज़ें काफ़ी पसंद आई थी तो एक फिल्म में देखा जाए तो थोड़े पाँच दस मिनट के बाद ही रियल एक्शन स्टार्ट करवा दिया जाता है जहाँ पे पहले स्टार्टिंग में पाँच दस मिनट जितना इस फिल्म को थोड़ा बहुत सेटअप किया जाता है और उसके बाद में जो सेटअप हो जाता है उसके बाद में इस फिल्म में ओनली एक्शन देखने को मिलता है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था वैसे एक आर रेटेड फिल्म मानी गई थी बाहर देश के लिए और इंडिया में ए रेटेड फिल्म कर कहलाई गई थी क्योंकि अपने एक्शन सिक्वेंस हो और आ, साथ ही में जो वायलेंस है उसके चलते अब बात करी इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म ने पहले दिन इंडिया से करीबन एक करोड़ पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन वर्ड ऑफ माउथ के चलते करीबन तिरसठ परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी दो करोड़ बीस लाख का कलेक्शन सेटरडे के दिन निकला था संडे के दिन इस फिल्म ने और बाईस ग्रोथ दिखाया जिसके चलते दो करोड़ सत्तर लाख का कलेक्शन निकला इस फिल्म का पहला वीकेंड इंडिया से छः करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन निकला हुआ था उसके बाद में मंडे के दिन एक करोड़ तीस लाख ट्यूटे के दिन एक करोड़ पैंतीस लाख वेनस्डे दिन एक करोड़ चौबीस लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपने पहले वीक में ग्यारह करोड़ छत्तीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने सेकंड फ्राइडे के ऊपर 80 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का और संडे के दिन एक करोड़ बहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ पचानवे लाख का निकला हुआ था और सेकंड मंडे के ऊपर फिल्म ने बहत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन अस्सी लाख का वेन्स्डे के दिन नब्बे लाख का थर्सडे के दिन तिरसठ लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक फिल्म का, का करीबन टोटल सात करोड़ का निकला हुआ था उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने 50 लाख का कलेक्शन किया था सैटरडे के दिन 95 लाख का और एक करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने अपने संडे के दिन तीसरे संडे के दिन निकाला हुआ था तो टोटल सत्रह दिनों के अंदर इस फिल्म ने इंडिया में करीबन करीबन बीस करोड़ छियासी लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिसका ग्रोस मक गिने तो करीबन चौबीस करोड़ तिरासी लाख होता है और इसमें इस फिल्म इस ने करीबन अट्ठारह करोड़ सैंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने फोर्टी थ्री करोड़ और ट्वेंटी लाख का कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा हिट का बेंच मार्क हासिल किया था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई कैसा कह सकते क्योंकि मिनिमम बजट के साथ आई हुई फिल्म ने और ओवरसिस और सी सोर इंडिया से पॉजिटिव रिस्पांस हासिल करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया हुआ था बात करें ओ राइट्स की तो फिल्म के ओ राइट्स टी डिजनी प्लस हॉस्टार के पास है तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली अगर देखना है तो डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो किल नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि खिल किल कि फिल्म का जो ओ वर्जन है वो आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देखने को मिलेगा करीबन एक मिनट पर एक घंटे और पैंतालीस मिनट के रन टाइम के साथ तो वहाँ पर ये फिल्म आप, आप आसानी से देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तो ये फिल्म आप, आप आसानी से वहाँ पे एंजॉय कर पाओगे एक अच्छी फिल्म है ज़रूर देखना चाहिए किल जो 2024 में रिलीज़ की गई एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें निखिल नागेश भट्ट ने की हुई है स्टोरी स्क्रीन प्ले उनका था डायलॉग्स में उनको मदद की हुई थी आयशा सैयद ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है करण जौहर गुनीत मोंगरा अपूर्वा मेहता और अचिन जैन ने इन चार लोगों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ धर्मा प्रोडक्शन और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के अंडर एक लो मीडियम बजट में बनाई गई फिल्म है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स ने इंडिया में वहीं पे और में अमेरिका में इस फिल्म को लायंस गेट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म को इस एक इंडियन इंड फिल्म इंडस्ट्री में अब तक आई हुई एक्शन थ्रिलर फिल्मों में से सबसे ज़्यादा वायलेंट फिल्म की तरह से प्रमोट किया गया था कास्टिंग में आपको लक्ष्य देखने को मिलेंगे राघव जुआयाल देखने को मिलेंगे आशीष विद्यार्थी हर्ष छाया तान्या मणिकंतला और अभिषेक चौहान देखने को मिलेंगे फिल्म में टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी रफ़ी मोहम्मद ने की हुई है इस फिल्म को एडिट किया हुआ शिव कुमार वी पेनीकर ने इसको करीबन 105 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको करीबन करीबन एक घंटे और 45 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो काफ़ी क्रिस्प रन टाइम के साथ इस फिल्म को तैयार किया हुआ था सेंसर ऑफ सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स से वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बेचे गए थे जिसको सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने ख़रीदा हुआ था फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे बैकग्राउंड स्कोर केतन सोधा के द्वारा कंपोज़ किया गया था सॉन्ग से वो विक्रम मोन्त्रो से शाश्वत सच देवा और हारून गाविन ने कंपोज़ किए हुए वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो लक्ष्य इस फिल्म में लीड रोल प्ले करे अमृत का इसके अलावा राघव जोहल इसमें इंटागोनिस का रोल प्ले करे फनी का तनिया मनिकर्ण तला इसमें तुलिका का रोल प्ले कर रही है अभिषेक चौहान ने वीरेस का रोल प्ले किया हुआ है आशीष विद्यार्थी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तुलिका के रोल में सॉरी uh, आशीष विद्यार्थी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे बेनी के रोल में अद्रीजा सिन्हा ने अन आहना का रोल प्ले किया हुआ है हर्ष छाया के द्वारा इस फिल्म में बालदेव सिंह ठाकुर का रोल प्ले किया गया है अवनीश पांडे ने टीटी का रोल प्ले किया हुआ है पार्थ तिवारी ने सिद्धि का रोल प्ले किया हुआ है अक्षय विचारे के द्वारा उजाला का रोल प्ले किया हुआ है जितेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा अखिलेश झा आर पी एफ पर्सनल का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने वहीं पे रुपेश कुमार र पहाड़ी ने इस फिल्म में विष्णु का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको साहिल साहेला दे देखने को मिलेंगे बदलू के रोल में इसके अलावा इस फिल्म में प्रियम गुप्ता ने कुल्ली का रोल प्ले किया है विवेक कश्यप के द्वारा मुकुंद का रोल प्ले किया गया था समीर कुमार बेचन के द्वारा कुमार के द्वारा बेचन का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म में कालिब लोगान देखने को मिलेंगे ब्रह्मेश्वर के रोल में मोशे स्मार्ट ने इसमें मुरारी का रोल प्ले किया हुआ है रियाज खान के द्वारा सूरज भान का रोल प्ले किया हुआ है शक्ति सिंह के द्वारा लड्डान का रोल प्ले किया हुआ है शिवम माँ के परमार के द्वारा अमृत फ्रे के फ्रेंड का रोल प्ले किया और बिलाल काजी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इस फिल्म में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रफी मोहम्मद ने की हुई है वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन करीबन इस फिल्म को जब बनाया गया था उसके बाद में तुरंत ही टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में धर्मा प्रोडक्शन और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के द्वारा वहाँ पे उससे पहले एक महीने के पहले ही वहाँ पे टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में अनाउंस किया हुआ था कि एक किल करके वो फिल्म बनाने वाले जिसको निखिल नागेश भट्ट डायरेक्ट करेंगे जहाँ पे ये पहले कंटेंट का पार्टनरशिप वहाँ पे अनाउंस की गई थी मई 2023 में वहीं पे बाद में इस फिल्म को टोर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लेटर ऑन एक दो तीन महीनों के बाद प्रीमियर भी करवाया गया था वैसे फिल्म की शूटिंग तो काफ़ी इनिशियल डेज में स्टार्ट करवा दी गई थी लेकिन अनाउंसमेंट थी वो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में मई 2023 में करवाई गई थी बाद में सुभाष के जारा के द्वारा फिल्म के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट का इंटरव्यू लिया गया था वहाँ पर उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में एक्टर और एम एम आर्टिस्ट के द्वारा उनको ट्रेन किया गया है वहीं पे नागेश भट्ट के द्वारा ये भी बताया गया था इंटरव्यू में कि किल एक ओरिजिनल लाइफ जो, जो रियल लाइफ में ट्रेन में एक रोबरी हुई थी 1995 में उससे इंस्पायर्ड होकर तैयार की गई है तो ये फिल्म के प्रोडक्शन में सभी चीज़ें हुई थी बाद में इस फिल्म को शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था और लेटर ऑन म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करते हुए फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास म्यूजिक के राइट से बारह मीटर अट्ठावन सेकंड का साउंड ट्रैक है, है। फिल्म में टोटल सभी ट्रैक मिला ले तो चार गाने सुनने को मिलेंगे सभी गानों को कंपोज किए किया हुआ है अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा जहाँ पे इस फिल्म का पहला गाना टाइटल ट्रैक किल कावा कावा जिसको लिखा हुआ था शाश्वत सदेव ने म्यूजिक भी उनका ही था सिंगर थे सुधीर यदुवंशी सांझवी शाश्वत सद्य वहीं पे सेकंड गाना था निकट जिसको गाया हुआ जिसको लिखा हुआ था सिद्धांत कौशल ने हरुण गाविन ने म्यूजिक दिया था रेखा भारद्वाज ने गाया था जागोरा खेस साइया गाने को लिखा हुआ है शेखर अस्तित्व ने वहीं पे विक्रम मोन्त्रोसो ने म्यूजिक दिया था मोनू राठौड़ विक्रम मोत्रोसो के द्वारा गवाया गया था निकट का जो डांस वर्जन था उसको सिद्धांत कौशल ने लिखा था हरुण गवीन ने म्यूजिक दिया था और शाश्वत सिंह ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रिक थे जिसको दो हज़ार बाईस से रिकॉर्ड किया था पाँच जुलाई दो तक इन सभी गानों को रिलीज़ किया हुआ था तो ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो किल फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है वहाँ पे सात सितंबर 2023 को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ओर्स इसके राइट्स लाइन गेट वालों ने लेटर ऑन खरीदे हुए थे जहाँ पर उसके बाद में रीमेक के ऊपर भी बातचीत की गई थी वैसे इस फिल्म को बाद में इंडिया में पाँच जुलाई दो को थिएट्रिकली रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इंडिया के साथ साथ इस फिल्म को और इसमें भी रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज जब 5 जुलाई 2024 की फिक्स की गई थी उससे प... उसके बाद में उससे पहले ही अक्टूबर 2023 में लायंस गेट ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ख़रीदे हुए थे नॉर्थ अमेरिका और यूके के लिए जहाँ पे ये पहली ऐसी इंडियन फिल्म थी जो हॉलीवुड स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टली राइट्स ख़रीदे गए थे यू में तो ये पहली बार ऐसा बना हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को स्क्रीन्स भी नॉर्थ अमेरिका में करीबन हज़ार से ज़्यादा मिले हुए थे लायंस गेट वालों ने रोड साइड एट्रैक्शन वालों के साथ मर्ज होते हुए एसोसिएट करते हुए उन्होंने इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकली चार जुलाई 2024 में यूएस में रिलीज़ किया था इंडिया के एक दिन पहले ही इस फिल्म को यूएस में रिलीज़ करवा दिया गया था ए फिल्म्स ने इस फिल्म के इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे बेब डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इस फिल्म के अर्जेंटीना के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ख़रीदे गए जहाँ पे फिल्म पाँच सितंबर दो हज़ार चौबीस से वहाँ पर प्रीमियर करवाई जाएगी पेरिस फिल्म में इनके द्वारा ब्राजीलियन के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे जो उन्नीस सेप्टेम्बर दो से इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे पेराडिस ग्रुप एक्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहाँ पे इसके रशियन थिएट्रिकल राइट्स उन्होंने खरीदे थे जो पाँच पच्चीस जुलाई दो से प्रीमियर करवा दी गई तो इस तरह से अलग अलग जगह पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स बेचे गए थे काफ़ी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे गए थे जिसके चलते स्क्रीनस इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिली हुई थी इस फिल्म का जो रीमेक है उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें सुनने को मिली थी एक जुलाई दो को जहाँ पर फिल्म रिलीज़ होने वाली थी उसे तीन चार दिन पहले ही बताया जा रहा था कि लायंस गेट और ए टी सेवन इलेवन एंटरटेनमेंट वॉल इसके रीमेक के राइट्स ख़रीदे हुए जहाँ पे इससे पहले उन्होंने जॉन विक फ्रेंचाइज में भी इस में काम किया हुआ था तो उन्होंने अनाउंस किया कि इस फिल्म की इंग्लिश रीमेक वो लोग बनाने वाले बाद में लेटर ऑन बताया गया था कि जो रिमेक्स है जो दूसरी लैंग्वेज़ में बनेगी अदर देन इंग्लिश वन ऐसा बताया जा रहा था बाद में धर्मा प्रोडक्शन इसे एक इस नोटिस किया हुआ था कि कोई भी लैंग्वेज में किल के रिमेक नहीं बनने वाली तो इस तरह से ये सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हुई थी बाद में इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने कर, क्रिटिक्स की तरफ से जो एक्शन सीक्वेंस है उसकी काफ़ी तारीफ सुनी थी जहाँ पे इस फिल्म के लीड कास्ट में राघव जुयाल और जिस तरह से लक्ष्य को फिर फिल्माया गया था उनको जिस तरह से दिखाया गया था उनकी तारीफ की गई थी ट्रेन में जो छोटी सी जगह में जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस उन्होंने कोरियोग्राफ किए गए थे जिस तरह से एक्टर्स के द्वारा डिलीवर किया गया था सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से उसको हमारे सामने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा हद से तारीफ़ की गई थी जहाँ पर लोगों को भी ये सभी चीज़ें काफ़ी पसंद आई थी तो एक फिल्म में देखा जाए तो थोड़े पाँच दस मिनट के बाद ही रियल एक्शन स्टार्ट करवा दिया जाता है जहाँ पे पहले स्टार्टिंग में पाँच दस मिनट जितना इस फिल्म को थोड़ा बहुत सेटअप किया जाता है और उसके बाद में जो सेटअप हो जाता है उसके बाद में इस फिल्म में ओनली एक्शन देखने को मिलता है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था वैसे एक आर रेटेड फिल्म मानी गई थी बाहर देश के लिए और इंडिया में ए रेटेड फिल्म कहलाई गई थी क्योंकि अपने एक्शन सिक्वान्स और आ, साथ ही में जो वायलेंस है उसके चलते अब बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म ने पहले दिन इंडिया से करीबन एक करोड़ पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन वर्ड ऑफ माउथ के चलते करीबन तिरसठ परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी दो करोड़ बीस लाख का कलेक्शन सैटरडे के दिन निकला था संडे के दिन इस फिल्म ने और बाईस परसेंट ग्रोथ दिखाया जिसके चलते दो करोड़ सत्तर लाख का कलेक्शन निकला इस फिल्म का पहला वीकेंड इंडिया से छः करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन निकला हुआ था उसके बाद में मंडे के दिन एक करोड़ तीस लाख ट्यूसडे के दिन एक करोड़ पैंतीस लाख वेनसडे के दिन एक करोड़ चौबीस लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपने पहले वीक में ग्यारह करोड़ छत्तीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था Osionfish. उसके बाद में इस फिल्म ने अपने सेकंड फ्राइडे के ऊपर 80 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का और संडे के दिन एक करोड़ बहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ पिचानवे लाख का निकला हुआ था और सेकंड मंडे के ऊपर फिल्म ने बहत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन अस्सी लाख का वेनस्डे के दिन नब्बे लाख का थर्सडे के दिन तिरसठ लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक फिल्म का करीबन टोटल सात करोड़ का निकला हुआ था उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने 50 लाख का कलेक्शन किया था सैटरडे के दिन 95 लाख का और एक करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने अपने संडे के दिन तीसरे संडे के दिन निकाला हुआ था तो टोटल सत्रह दिनों के अंदर इस फिल्म ने इंडिया में करीबन करीबन बीस करोड़ छियासी लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिसका ग्रोस मक तो करीबन चौबीस करोड़ तिरासी लाख होता है और इसमें इस फिल्म ने करीबन अट्ठारह करोड़ सैंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने फोर्टी थ्री करोड़ और ट्वेंटी लाख का कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा हिट का बेंच मार्क हासिल किया था बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई कैसा कह सकते क्योंकि मिनिमम बजट के साथ आई हुई फिल्म नेवरसीस और, और इंडिया से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था बात करें ओ टी राइट्स की तो फिल्म के ओ टी राइट्स डिजनी प्लस हॉटस्टार के पास है तो फिलहाल मैं इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली अगर देखना है तो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो किल नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि खिल कील फिल्म का जो ओ टी वर्ज़न है वो आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगा करीबन एक मिनट पर एक घंटे और पैंतालीस मिनट के रन टाइम के साथ तो वहाँ पर ये फिल्म आप आसानी से देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो ये फिल्म आप आसानी से वहाँ पे इंजॉय कर पाओगे एक अच्छी फिल्म है ज़रूर देखना चाहिए किल जो 2024 में रिलीज़ की गई एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें निखिल नागेश भट्ट ने की हुई है स्टोरी स्क्रीन प्ले उनका था डायलॉग्स में उनको मदद की हुई थी आयशा सैयद ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है करण जौहर गुनीत मोंगरा अपूर्व मेहता और अचिन जैन ने इन चार लोगों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के अंडर एक लो मीडियम बजट में बनाई गई फिल्म है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म ने इंडिया में वहीं पे, और सीस में अमेरिका में इस फिल्म को लायंस गेट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म को एज एक इंडियन इंड फिल्म इंडस्ट्री में अब तक आई हुई एक्शन थ्रिलर फिल्मों में से सबसे ज़्यादा वायलेंट फिल्म की तरह से प्रमोट किया गया था कास्टिंग में आपको लक्ष्य देखने को मिलेंगे राघव जुआल देखने को मिलेंगे आशीष विद्यार्थी हर्ष छाया तान्या मनिकंतला और अभिषेक चौहान देखने को मिलेंगे फिल्म में टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी रफ़ी मोहम्मद ने की हुई है इस फिल्म को एडिट किया हुआ शिव कुमार वी पेनीकर ने इसको करीबन 105 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको करीबन करीबन एक घंटे और 45 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो काफ़ी क्रिस्प रन टाइम के साथ इस फिल्म को तैयार किया हुआ था सेंसर ऑफ सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स है वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइज में बेचे गए थे जिसको आ, सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने खरीदा हुआ था फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे बैकग्राउंड स्कोर केतन सोधा के द्वारा कंपोज किया गया था सॉन्ग्स से वो विक्रम मोन्तरो से शाश्वत सतदेवा और हारून गाविन ने कंपोज किए हुए वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो लक्ष्य इस फिल्म में लीड रोल प्ले करे अमृत का इसके अलावा राघव जोहैल इसमें इंटागोनिस का रोल प्ले करे फनी का तनया मिकन तला इसमें तुलिका का रोल प्ले कर रही है अभिषेक चौहान ने वीरेश का रोल प्ले किया हुआ है आशीष विद्यार्थी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तुलिका के रोल में सॉरी आशीष विद्यार्थी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे बेनी के रोल में अद्रीजा सिन्हा ने अन आहना का रोल प्ले किया हुआ है हर्ष छाया के द्वारा इस फिल्म में बालदेव सिंह ठाकुर का रोल प्ले किया गया है अवनीस पांडे ने टीटी का रोल प्ले किया हुआ है पार्थ तिवारी ने सिद्धि का रोल प्ले किया हुआ है अक्षय विचार्य के द्वारा उजाला का रोल प्ले किया हुआ है जितेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा अखिलेश झा आर पर्सनल का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने वहीं पे रुपेश कुमार छत्रपा पहाड़ी ने इस फिल्म में विष्णु का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको साहेला गंगूरदे देखने को मिलेंगे बदलू के रोल में इसके अलावा इस फिल्म में प्रियम गुप्ता ने कुल्ली का रोल प्ले किया है विवेक कश्यप के द्वारा मुकुंद का रोल प्ले किया गया था समीर कुमार बेबेचन के कुमार के द्वारा बेचन का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म में कालिब लोगान देखने को मिलेंगे ब्रह्मेश्वर के रोल में मोसेस मार्टॉन ने इसमें मुरारी का रोल प्ले किया हुआ है रियाज खान के द्वारा सूरज भान का रोल प्ले किया हुआ है शक्ति सिंह के द्वारा लड्डान का रोल प्ले किया हुआ है शिवम माँ परमेर के परमार के द्वारा अमृत फ्रे के फ्रेंड का रोल प्ले किया और बिलाल काजी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इस फिल्म में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रफ़ी मोहम्मद ने की हुई है वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन करीबन इस फिल्म को जब बनाया गया था उसके बाद में तुरंत ही टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में धर्मा प्रोडक्शन और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के द्वारा वहाँ पर उससे पहले एक महीने के पहले ही वहाँ पर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में अनाउंस किया हुआ था कि एक किल करके वो फिल्म बनाने वाले जिसको निखिल नागेश भट्ट डायरेक्ट करेंगे जहाँ पे ये पहले कंटेंट का पार्टनरशिप वहाँ पे अनाउंस की गई थी मई 2023 में वहीं पे बाद में इस फिल्म को टोरंट टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लेटर ऑन एक दो तीन महीनों के बाद प्रीमियर भी करवाया गया था वैसे फिल्म की शूटिंग तो काफ़ी इनिशियल डेज में स्टार्ट करवा दी गई थी लेकिन अनाउंसमेंट थी वो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में मई 2023 में करवाई गई थी बाद में सुभाष के जारा के द्वारा फिल्म के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट का इंटरव्यू लिया गया था वहाँ पे उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में एक्टर और एम आर्टिस्ट के द्वारा उनको ट्रेन किया गया है वहीं पर नागेश भट्ट के द्वारा ये भी बताया गया था इंटरव्यू में कि की किल एक औरिजिनल लाइफ जो रियल लाइफ में ट्रेन में एक रोबरी हुई थी नाइन्टीन में उससे इंस्पायर्ड होकर तैयार की गई है तो ये फ़िल्म के प्रोडक्शन में सभी चीज़ें हुई थी बाद में इस फिल्म को शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था और लेटर ऑन म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करते हुए फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोने म्यूजिक इंडिया के पास म्यूजिक के राइट से बारह मीटर अट्ठावन सेकंड का साउंड ट्रैक है, है। फिल्म में टोटल सभी ट्रैक मिला ले तो चार गाने सुनने को मिलेंगे सभी गानों को कंपोज किए किया हुआ है अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा जहां पे इस फिल्म का पहला गाना टाइटल ट्रैक किल कावा कावा जिसको लिखा हुआ था शाश्वत सदेव ने म्यूजिक भी उनका ही था सिंगर थे सुधीर यदुवंशी सांझवी शाश्वत सदेव वहीं पे सेकंड गाना था निकट जिसको गाया हुआ जिसको लिखा हुआ था सिद्धांत कौशल ने हरुण गाविन ने म्यूजिक दिया था रेखा भारद्वाज ने गाया था जागोरा के साइया गाने को लिखा हुआ है शेखर अस्तित्व ने वहीं पे विक्रम मंत्रोसो ने म्यूजिक दिया था मोनू राठौड़ विक्रम मोन्त्रोसो के द्वारा गवाया गया था निकट का जो डांस वर्जन था उसको सिद्धांत कौशल ने लिखा था हरुण गविन ने म्यूजिक दिया था और शाश्वत सिंह ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रिक थे जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया था पाँच जुलाई दो तक इन सभी गानों को रिलीज़ किया हुआ था तो ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो किल फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है वहाँ पे सात सितंबर 2023 को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ओर्स इसके राइट्स लाइन गेट वालों ने लेटर ऑन खरीदे हुए थे जहाँ पर उसके बाद में रिमेक के ऊपर भी बातचीत की गई थी वैसे इस फिल्म को बाद में इंडिया में पाँच जुलाई दो को थिएट्रिकली रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इंडिया के साथ साथ इस फिल्म को और इसमें भी रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज़ जब पाँच जुलाई 2024 की फिक्स की गई थी उससे उसके बाद में उससे पहले ही अक्टूबर 2023 में लायंस गेट ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए थे नॉर्थ अमेरिका और यूके के लिए जहाँ पे ये पहली ऐसी इंडियन फिल्म थी जो हॉलीवुड स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टली राइट्स ख़रीदे गए थे यू में तो ये पहली बार ऐसा बन हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को स्क्रीन्स भी नॉर्थ अमेरिका में करीबन हज़ार से ज़्यादा मिले हुए थे लायंस गेट वालों ने रोड साइड एट्रैक्शन वालों के साथ मर्ज होते हुए एसोसिएट करते हुए उन्होंने इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकली चार जुलाई 2024 में यूएस में रिलीज़ किया था इंडिया के एक दिन पहले ही इस फिल्म को यूएस में रिलीज़ करवा दिया गया था ए फिल्म्स ने इस फिल्म के इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे बेब डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इस फिल्म के अर्जेंटीना के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ख़रीदे गए जहाँ पे फिल्म पाँच सितंबर 2024 हज़ार चौबीस से वहाँ पर प्रीमियर करवाई जाएगी पेरिस फिल्म में इनके द्वारा ब्राज़ीलियन के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे जो 19 सितंबर 2024 से इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे पेराडिस ग्रुप एक्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहाँ पे इसके रशियन थिएट्रिकल राइट्स उन्होंने खरीदे थे जो पाँच पच्चीस जुलाई दो से प्रीमियर करवा दी गई तो इस तरह से अलग अलग जगह पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स बेचे गए थे काफ़ी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे गए थे जिसके चलते स्क्रीनस इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिली हुई थी इस फिल्म का जो रीमेक है उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें सुनने को मिली थी एक जुलाई दो को जहाँ पर फिल्म रिलीज़ होने वाली थी उसे तीन चार दिन पहले ही बताया जा रहा था कि लायंस गेट और ए टी सेवन इलेवन एंटरटेनमेंट वॉल इसके रीमेक के राइट्स ख़रीदे हुए जहाँ पे इससे पहले उन्होंने जॉन विक फ्रेंचाइज में भी इस में काम किया हुआ था तो उन्होंने अनाउंस किया कि इस फिल्म की इंग्लिश रीमेक वो लोग बनाने वाले बाद में लेटर ऑन बताया गया था कि जो रीमेक्स है जो दूसरी लैंग्वेज में बनेगी अदर देन इंग्लिश वन वैसा बताया जा रहा था बाद में धर्मा प्रोडक्शन ने इसे एक इस नोटिस किया हुआ था कि कोई भी लैंग्वेज में किल के रीमेक नहीं बनने वाली तो इस तरह से ये सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हुई थी बाद में इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने क्रिटिक्स की तरफ से जो एक्शन सीक्वेंस है उसकी काफ़ी तारीफ सुनी जहाँ पे इस फिल्म के लीड कास्ट में राघव जुयाल और जिस तरह से लक्ष्य को फिल, फिल्माया गया था उनको जिस तरह से दिखाया गया था उनकी तारीफ की गई थी ट्रेन में जो छोटी सी जगह में जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस उन्होंने कोरियोग्राफ किए गए थे जिस तरह से एक्टर्स के द्वारा डिलीवर किया गया था सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से उसको हमारे सामने पेश किया होता था वो सभी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा हद से तारीफ़ की गई थी जहाँ पर लोगों को भी ये सभी चीज़ें काफ़ी पसंद आई थी तो एक फिल्म में देखा जाए तो थोड़े पाँच दस मिनट के बाद ही रियल एक्शन स्टार्ट करवा दिया जाता है जहाँ पे पहले स्टार्टिंग में पाँच दस मिनट जितना इस फिल्म को थोड़ा बहुत सेटअप किया जाता है और उसके बाद में जो सेटअप हो जाता है उसके बाद में इस फिल्म में ओनली एक्शन देखने को मिलता है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था वैसे एक आर रेटेड फिल्म मानी गई थी बाहर देश के लिए और इंडिया में ए रेटेड फिल्म कर कहलाई गई थी क्योंकि अपने एक्शन सिकॉन्स हो रहा साथ ही में जो वायलेंस है उसके चलते अब बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म ने पहले दिन इंडिया से करीबन एक करोड़ पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन वर्ड ऑफ माउथ के चलते करीबन तिरसठ परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी दो करोड़ बीस लाख का कलेक्शन सैटरडे के दिन निकला था संडे के दिन इस फिल्म ने और बाईस परसेंट ग्रोथ दिखाया जिसके चलते दो करोड़ सत्तर लाख का कलेक्शन निकला इस फिल्म का पहला वीकेंड इंडिया से छ करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन निकला हुआ था उसके बाद में मंडे के दिन एक करोड़ तीस लाख ट्यूटडे के दिन एक करोड़ पैंतीस लाख वेनस्डे के दिन एक करोड़ चौबीस लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपने पहले वीक में ग्यारह करोड़ छत्तीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने सेकंड फ्राइडे के ऊपर 80 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के, के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का और संडे के दिन एक करोड़ बहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ पचानवे लाख का निकला हुआ था और सेकंड मंडे के ऊपर फिल्म ने बहत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन अस्सी लाख का वेन्स्डे के दिन नब्बे लाख का थर्डे के दिन तिरसठ लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक फिल्म का करीबन टोटल सात करोड़ का निकला हुआ था उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने 50 लाख का कलेक्शन किया था सैटरडे के दिन 95 लाख का और एक करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने अपने संडे के दिन तीसरे संडे के दिन निकाला हुआ था तो टोटल सत्रह दिनों के अंदर इस फिल्म ने इंडिया में करीबन करीबन बीस करोड़ छियासी लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिसका ग्रोस मकने तो करीबन चौबीस करोड़ तिरासी लाख होता है और इसमें इस फिल्म ने करीबन अट्ठारह करोड़ सैंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म में फोर्टी करोड़ और ट्वेंटी लाख का कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा हिट का बेंच मार्क हासिल किया था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई कैसा कह सकते क्योंकि मिनिमम बजट के साथ आई हुई फिल्म नेवरसीस और, सोस और इंडिया से पॉजिटिव रिस्पांस हासिल करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया हुआ था बात करें ओ राइट्स की तो फिल्म के ओ राइट्स डिजनी प्लस हॉटस्टार के पास है तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली अगर देखना है तो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो किल नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि खिल किल फिल्म का जो ओ वर्ज़न है वो आपको डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर देखने को मिलेगा करीबन एक मिनट पे एक घंटे और पैंतालीस मिनट के रन टाइम के साथ तो वहाँ पे ये फिल्म आप, आप आसानी से देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो ये फिल्म आप, आप आसानी से वहाँ पर इन्जॉय कर पाओगे एक अच्छी फिल्म है ज़रूर देखना चाहिए किल जो दो में रिलीज़ की गई एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें निखिल नागेश भट्ट ने की हुई है स्टोरी स्क्रीन प्ले उनका था डायलॉग्स में उनको मदद की हुई थी आयिशा सैयद ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है करण जौहर गुनीत मोंगरा अपूर्व मेहता और अचिन जैन ने इन चार लोगों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन और शिक्षा एंटरटेनमेंट के अंडर एक लो मीडियम बजट में बनाई गई फिल्म है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ ए फिल्म ने इंडिया में वहीं पर ओवरसीज में अमेरिका में इस फिल्म को लायंस गेट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म को इस एक इंडियन इंड फिल्म इंडस्ट्री में अब तक आई हुई एक्शन थ्रिलर फिल्मों में से सबसे ज़्यादा वायलेंट फिल्म की तरह से प्रमोट किया गया था कास्टिंग में आपको लक्ष्य देखने को मिलेंगे राघव जुआयाल देखने को मिलेंगे आशीष विद्यार्थी हर्ष छाया तान्या मणिकंतला और अभिषेक चौहान देखने को मिलेंगे फिल्म में टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी रफ़ी मोहम्मद ने किए हुई है इस फिल्म को एडिट किया हुआ शिव कुमार वी पेनीकर ने इसको करीबन 105 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको करीबन करीबन एक घंटे और 45 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो काफ़ी क्रिस्प रन टाइम के साथ इस फिल्म को तैयार किया हुआ था सेंसर ऑफ सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स है वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बेचे गए थे जिसको सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने ख़रीदा हुआ था फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे बैकग्राउंड स्कोर केतन सोधा के द्वारा कंपोज किया गया था सॉन्ग से वो विक्रम मोन्तरो से शाश्वत सचदेवा और हारून गाविन ने कंपोज किए हुए वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो लक्ष्य इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे अमृत का इसके अलावा राघव जोहैल इसमें इंटागोनिस का रोल प्ले करे फनी का तनया मिकन तला इसमें तुलिका का रोल प्ले कर रही है अभिषेक चौहान ने वीरेस का रोल प्ले किया हुआ है आशीष विद्यार्थी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तुलिका के रोल में सॉरी आशीष विद्यार्थी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे बेनी के रोल में अद्रीजा सिन्हा ने अन आहना का रोल प्ले किया हुआ है हर्ष छाया के द्वारा इस फिल्म में बालदेव सिंह ठाकुर का रोल प्ले किया गया है अवनीश पांडे ने टीटी का रोल प्ले किया हुआ है पार्थ तिवारी ने सिद्धि का रोल प्ले किया हुआ है अक्षय विचारे के द्वारा उजाला का रोल प्ले किया हुआ है जितेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा अखिलेश झा आर पर्सनल का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने वहीं पे रुपेश कुमार र पहाड़ी ने इस फिल्म में विष्णु का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको साहिल साहिला दे देखने को मिलेंगे बदलू के रोल में इसके अलावा इस फिल्म में प्रियम गुप्ता ने कुल्ली का रोल प्ले किया है विवेक कश्यप के द्वारा मुकुंद का रोल प्ले किया गया था समीर कुमार बे बेचन के द्वारा कुमार के द्वारा बेचन का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म में कालिब लौगा देखने को मिलेंगे ब्रह्मेश्वर के रोल में मोसेस मार्टॉन ने इसमें मुरारी का रोल प्ले किया है रियाज खान के द्वारा सूरज भान का रोल प्ले किया हुआ है शक्ति सिंह के द्वारा लड्डान का रोल प्ले किया हुआ है शिवम माँ के परमार के द्वारा अमृत फ्रे के फ्रेंड का रोल प्ले किया और बिलाल काजी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इस फिल्म में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रफ़ी मोहम्मद ने की हुई है वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन करीबन इस फिल्म को जब बनाया गया था उसके बाद में तुरंत ही टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में धर्मा प्रोडक्शन और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के द्वारा वहाँ पे उससे पहले एक महीने के पहले ही वहाँ पे टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में अनाउंस किया हुआ था किल करके वो फिल्म बनाने वाले जिसको निखिल नागेश भट्ट डायरेक्ट करेंगे जहाँ पे ये पहले कंटेंट का पार्टनरशिप वहाँ पे अनाउंस की गई थी मई 2023 में वहीं पे बाद में इस फिल्म को टोर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लेटर ऑन एक दो तीन महीनों के बाद प्रीमियर भी करवाया गया था वैसे फिल्म की शूटिंग तो काफ़ी इनिशियल डेज़ में स्टार्ट करवा दी गई थी लेकिन अनाउंसमेंट थी वो टोरंटो तो फिल्म फेस्टिवल में मई 2023 में करवाई गई थी बाद में सुभाष के जारा के द्वारा फिल्म के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट का इंटरव्यू लिया गया था वहाँ पे उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में एक्टर एमएमएस आर्टिस्ट के द्वारा उनको ट्रेन किया गया है वहीं पे नागेश भट्ट के द्वारा ये भी बताया गया था इंटरव्यू में कि किल एक ओरिजिनल लाइफ जो रियल लाइफ में ट्रेन में एक रोबरी हुई थी 1995 में उससे इंस्पायर्ड होकर तैयार की गई है तो ये फिल्म के प्रोडक्शन में सभी चीज़ें हुई थी बाद में इस फिल्म को शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था और लेटर ऑन म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करते हुए फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास म्यूजिक के राइट से बारह मीटर अट्ठावन सेकंड का साउंड ट्रैक है फिल्म में टोटल सभी ट्रैक मिला ले तो चार गाने सुनने को मिलेंगे सभी गानों को कंपोज किए किया हुआ है अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा जहाँ पे इस फिल्म का पहला गाना टाइटल ट्रैक किल कावा कावा जिसको लिखा हुआ था शाश्वत सदेव ने म्यूजिक भी उनका ही था सिंगर थे सुधीर यदुवंशी सांझवी शाश्वत सद्य वहीं पे सेकंड गाना था निकट जिसको गाया हुआ जिसको लिखा हुआ था सिद्धांत कौशल ने हरुण गाविन ने म्यूजिक दिया था रेखा भाद्वाज ने गाया था जागोरा के साइया गाने को लिखा हुआ है शेखर अस्तित्व ने वहीं पे विक्रम मोन्तोसो ने म्यूजिक दिया था मोनू राठौड़ विक्रम मोन्त्रोसो के द्वारा गवाया गया था निकट का जो डांस वर्जन था उसको सिद्धांत कौशल ने लिखा था हरुण गविंद ने म्यूज़िक दिया था और शाश्वत सिंह ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रिक थे जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया था पाँच जुलाई दो तक इन सभी गानों को रिलीज़ किया हुआ था तो ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो किल फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है वहाँ पे सात सितंबर 2023 को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ओर इसके राइट्स लाइन गेट वालों ने लेटर ऑन खरीदे हुए थे जहाँ पर उसके बाद में रीमेक के ऊपर भी बातचीत की गई थी वैसे इस फिल्म को बाद में इंडिया में पाँच जुलाई दो को थिएट्रिकली रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इंडिया के साथ साथ इस फिल्म को और इसमें भी रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज़ जब 5 जुलाई दो की फिक्स की गई थी उससे प... उसके बाद में उससे पहले ही अक्टूबर 2023 में लायंस गेट ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ख़रीदे हुए थे नॉर्थ अमेरिका और यूके के लिए जहाँ पे ये पहली ऐसी इंडियन फिल्म थी जो हॉलीवुड स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टली राइट्स ख़रीदे गए थे यू में तो ये पहली बार ऐसा बन हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को स्क्रीन्स भी नॉर्थ अमेरिका में करीबन हज़ार से ज़्यादा मिले हुए थे लायंस गेट वालों ने रोड साइड अट्रैक्शन वालों के साथ मर्ज uh, होते हुए एसोसिएट करते हुए उन्होंने इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकली चार जुलाई 2024 में यूएस में रिलीज़ किया था इंडिया के एक दिन पहले ही इस फिल्म को यूएस में रिलीज़ करवा दिया गया था ए फिल्म्स ने इस फिल्म के इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे बेब डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इस फिल्म के अर्जेंटीना के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे गए जहाँ पे फिल्म पाँच सितंबर 2024 हज़ार चौबीस से वहाँ पर प्रीमियर करवाई जाएगी पेरिस फिल्म में इनके द्वारा ब्राज़ीलियन के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे जो 19 सितंबर 2024 से इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे पेराडिस ग्रुप एक्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहाँ पे इसके रशियन थिएट्रिकल राइट्स उन्होंने खरीदे थे जो पाँच पच्चीस जुलाई दो से प्रीमियर करवा दी गई तो इस तरह से अलग अलग जगह पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स बेचे गए थे काफ़ी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे गए थे जिसके चलते स्क्रीनस इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिली हुई थी इस फिल्म का जो रीमेक है उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें सुनने को मिली थी एक जुलाई दो को जहाँ पर फिल्म रिलीज होने वाली थी उसे तीन चार दिन पहले ही बताया जा रहा था कि लायंस गेट और एटी सेवन इलेवन एंटरटेनमेंट वॉलोनीस के रीमेक के राइट्स ख़रीदे हुए जहाँ पे इससे पहले उन्होंने विक फ्रेंचाइज में भी इसमें काम किया हुआ था तो उन्होंने अनाउंस किया कि इस फिल्म की इंग्लिश रिमेक वो लोग बनाने वाले बाद में लेटर ऑन बताया गया था कि जो रिमेक्स है जो दूसरी लैंग्वेज में बनेगी अदर देन इंग्लिश वन वैसा बताया जा रहा था बाद में धर्मा प्रोडक्शन इसे एक इस नोटिस किया हुआ था कि कोई भी लैंग्वेज में किल के रिमेक नहीं बनने वाली तो इस तरह से ये सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हुई थी बाद में इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी इस फिल्म ने करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने क्रिटिक्स की तरफ से जो एक्शन सीक्वेंस है उसकी काफ़ी तारीफ सुनी जहाँ पे इस फिल्म के लीड कास्ट में राघव जुयाल और जिस तरह से लक्ष्य को फिल्म फिल्माया गया था उनको जिस तरह से दिखाया गया था उनकी तारीफ की गई थी ट्रेन में जो छोटी सी जगह में जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस उन्होंने कोरियोग्राफ किए गए थे जिस तरह से एक्टर्स के द्वारा डिलीवर किया गया था सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से उसको हमारे सामने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा हद से तारीफ़ की गई थी जहाँ पर लोगों को भी ये सभी चीज़ें काफ़ी पसंद आई थी तो एक फिल्म में देखा जाए तो थोड़े पाँच दस मिनट के बाद ही रियल एक्शन स्टार्ट करवा दिया जाता है जहाँ पे पहले स्टार्टिंग में पाँच दस मिनट जितना इस फिल्म को थोड़ा बहुत सेटअप किया जाता है और उसके बाद में जो सेटअप हो जाता है उसके बाद में इस फिल्म में ओनली एक्शन देखने को मिलता है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था वैसे एक आर रेटेड फिल्म मानी गई थी बाहर देश के लिए और इंडिया में ए रेटेड फिल्म कर कहलाई गई थी क्योंकि अपने एक्शन से कौन हो रहा Uh, साथ ही में जो वायलेंस है उसके चलते अब बात करी इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म ने पहले दिन इंडिया से करीबन एक करोड़ पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन वर्ड ऑफ माउथ के चलते करीबन तिरसठ परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी दो करोड़ बीस लाख का कलेक्शन सैटरडे के दिन निकला था संडे के दिन इस फिल्म ने और बाईस परसेंट ग्रोथ दिखाया जिसके चलते दो करोड़ सत्तर लाख का कलेक्शन निकला इस फिल्म का पहला वीकेंड इंडिया से छः करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन निकला हुआ था उसके बाद में मंडे के दिन एक करोड़ तीस लाख ट्यूटडे के दिन एक करोड़ पैंतीस लाख वेनस्डे के दिन एक करोड़ चौबीस लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपने पहले वीक में ग्यारह करोड़ छत्तीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने सेकंड फ्राइडे के ऊपर 80 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का और संडे के दिन एक करोड़ बहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ पचानवे लाख का निकला हुआ था और सेकंड मंडे के ऊपर फिल्म ने बहत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन अस्सी लाख का वेन्स्डे के दिन नब्बे लाख का थर्सडे के दिन तिरसठ लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक फिल्म का करीबन टोटल सात करोड़ का निकला हुआ था उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने 50 लाख का कलेक्शन किया था सैटरडे के दिन 95 लाख का और एक करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने अपने संडे के दिन तीसरे संडे के दिन निकाला हुआ था तो टोटल सत्रह दिनों के अंदर इस फिल्म ने इंडिया में करीबन करीबन बीस करोड़ छियासी लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिसका ग्रोस मकिन तो करीबन चौबीस करोड़ तिरासी लाख होता है और इसमें इस फिल्म ने करीबन अट्ठारह करोड़ सैंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने फोटी थ्री करोड़ और ट्वेंटी लाख का कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा हिट का बेंच मार्क हासिल किया था बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई कैसा कह सकते क्योंकि मिनिमम बजट के साथ आई हुई फिल्म ने ओवरसोर्स ओवरसिस और, और इंडिया से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था बात करें ओ टी राइट्स की तो फिल्म के ओ टी राइट्स डिजनी प्लस हॉटस्टार के पास है तो फिलहाल मैं इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली अगर देखना है तो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्स देख सकते हो किल नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि खिल कील फिल्म का जो ओ वर्जन है वो आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगा करीबन एक मिनट पे एक घंटे और पैंतालीस मिनट के रन टाइम के साथ तो वहाँ पर फिल्म आप आसानी से देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो ये फिल्म आप आसानी से वहाँ पे इंजॉय कर पाओगे एक अच्छी फिल्म है जरूर देखना चाहिए किल जो दो में रिलीज की गई एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें निखिल नागेश भट्ट ने की हुई है स्टोरी स्क्रीन प्ले उनका था डायलॉग्स में उनको मदद की हुई थी आयशा सैयद ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है करण जौहर गुनीत मोंगरा अपूर्व मेहता और अचिन जैन ने इन चार लोगों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन और शिक्षा एंटरटेनमेंट के अंडर एक लो मीडियम बजट में बनाई गई फिल्म है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स ने इंडिया में वहीं पे, और ओवरसीज में अमेरिका में इस फिल्म को लायंस गेट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म को इज़ एक इंडियन इंड फिल्म इंडस्ट्री में अब तक आई हुई एक्शन थ्रिलर फिल्मों में से सबसे ज़्यादा वायलेंट फिल्म की तरह से प्रमोट किया गया था कास्टिंग में आपको लक्ष्य देखने को मिलेंगे राघव जुआयाल देखने को मिलेंगे आशीष विद्यार्थी हर्ष छाया तान्या मणिकंतला और अभिषेक चौहान देखने को मिलेंगे फिल्म में टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी रफ़ी मोहम्मद ने की हुई है इस फिल्म को एडिट किया है शिव कुमार वी पेनीकर ने इसको करीबन 105 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फ़िल्म आपको करीबन करीबन एक घंटे और 45 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो काफ़ी क्रि क्रिस्प रन टाइम के साथ इस फिल्म को तैयार किया हुआ था सेंसर ऑफ सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स है वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइज़ में बेचे गए थे जिसको सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने खरीदा हुआ था फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे बैकग्राउंड स्कोर केतन सोधा के द्वारा कंपोज किया गया था सॉन्ग्स से वो विक्रम मोन्तरो से शाश्वत सतदेवा और हारून गाविन ने कंपोज किए हुए वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो लक्ष्य इस फिल्म में लीड रोल प्ले करे अमृत का इसके अलावा राघव जोहैल इसमें इंटागोनिस का रोल प्ले करे फनी का तनया मिकंतला इसमें तुलिका का रोल प्ले कर रही है अभिषेक चौहान ने वीरेश का रोल प्ले किया हुआ है आशीष विद्यार्थी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तुलिका के रोल में सॉरी uh, आशीष विद्यार्थी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे बेनी के रोल में अद्रीजा सिन्हा ने अन आहना का रोल प्ले किया हुआ है हर्ष छाया के द्वारा इस फिल्म में बालदेव सिंह ठाकुर का रोल प्ले किया गया है अवनीश पांडे ने टीटी का रोल प्ले किया हुआ है पार्थ तिवारी ने सिद्धि का रोल प्ले किया हुआ है अक्षय विचारे के द्वारा उजाला का रोल प्ले किया हुआ है जितेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा अखिलेश झा आर पर्सनल का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने वहीं पे रुपेश कुमार छत्रपा पहाड़ी ने इस फिल्म में विष्णु का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको साहिल साहेला दे देखने को मिलेंगे बदलू के रोल में इसके अलावा इस फिल्म में प्रियम गुप्ता ने कुल्ली का रोल प्ले किया है विवेक कश्यप के द्वारा मुकुंद का रोल प्ले किया गया था समीर कुमार बेबेचन के द्वार कुमार के द्वारा बेचन का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म में कालिब लोगान देखने को मिलेंगे ब्रह्मेश्वर के रोल में मोसे स्मार्ट ने इसमें मुरारी का रोल प्ले किया है रियाज खान के द्वारा सूरज भान का रोल प्ले किया हुआ है शक्ति सिंह के द्वारा लड्डान का रोल प्ले किया हुआ है शिवम माँ के परमार के द्वारा अमृत फ्रे के फ्रेंड का रोल प्ले किया और बिलाल काजी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इस फिल्म में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रफ़ी मोहम्मद ने की हुई है वहीं पर इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन करीबन इस फिल्म को जब बनाया गया था उसके बाद में तुरंत ही टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में धर्मा प्रोडक्शन और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के द्वारा वहाँ पे उससे पहले एक महीने के पहले ही वहाँ पे टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में अनाउंस किया हुआ था कि एक किल करके वो फिल्म बनाने वाले जिसको निखिल नागेश भट्ट डायरेक्ट करेंगे जहाँ पे ये पहले कंटेंट का पार्टनरशिप वहाँ पे अनाउंस की गई थी मई 2023 में वहीं पे बाद में इस फिल्म को टोरंट टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लेटर ऑन एक दो तीन महीनों के बाद प्रीमियर भी करवाया गया था वैसे फिल्म की शूटिंग तो काफ़ी इनिशियल डेज में स्टार्ट करवा दी गई थी लेकिन अनाउंसमेंट थी वो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में मई 2023 में करवाई गई थी बाद में सुभाष के जारा के द्वारा फिल्म के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट का इंटरव्यू लिया गया था वहाँ पर उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में एक्टर और एम आर्टिस्ट के द्वारा उनको ट्रेन किया गया है वहीं पे नागेश भट्ट के द्वारा ये भी बताया गया था इंटरव्यू में कि की किल एक ओरिजिनल लाइफ जो रियल लाइफ में ट्रेन में एक रोबरी हुई थी 1995 में उससे इंस्पायर्ड होकर तैयार की गई है तो ये फ़िल्म के प्रोडक्शन में सभी चीज़ें हुई थी बाद में इस फिल्म को शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था और लेटर ऑन म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करते हुए फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास म्यूजिक के राइट से बारह मिनट अट्ठावन सेकंड का साउंड ट्रैक है फिल्म में टोटल सभी ट्रैक मिला ले तो चार गाने सुनने को मिलेंगे सभी गानों को कंपोज़ किए किया हुआ है अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा जहाँ पे इस फिल्म का पहला गाना टाइटल ट्रैक किल कावा कावा जिसको लिखा हुआ था शाश्वत सदेव ने म्यूजिक भी उनका ही था सिंगर थे सुधीर यदुवंशी सांझवी शाश्वत सद्य वहीं पे सेकंड गाना था निकट जिसको गाया हुआ जिसको लिखा हुआ था सिद्धांत कौशल ने हरुण गाविन ने म्यूजिक दिया था रेखा भारद्वाज ने गाया था जागो राकेश साइया गाने को लिखा हुआ है शेखर अस्तित्व ने वहीं पे विक्रम मोन्त्रोसो ने म्यूजिक दिया था मोनू राठौड़ विक्रम मोन्त्रोसो के द्वारा गवाया गया था निकट का जो डांस वर्जन था उसको सिद्धांत कौशल ने लिखा था हरुण गवीर ने म्यूज़िक दिया था और शाश्वत सिंह ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रिक थे जिसको दो हज़ार बाईस से रिकॉर्ड किया था पाँच जुलाई दो तक इन सभी गानों को रिलीज़ किया हुआ था तो ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो किल फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है वहाँ पे सात सितंबर 2023 को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ओर इसके राइट्स लाइंस गेट वालों ने लेटर ऑन खरीदे हुए थे जहाँ पे उसके बाद में रिमेक के ऊपर भी बातचीत की गई थी वैसे इस फिल्म को बाद में इंडिया में पाँच जुलाई दो को थिएट्रिकली रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इंडिया के साथ साथ इस फिल्म को और इसमें भी रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज़ जब 5 जुलाई दो की फ़िक्स की गई थी उससे उसके बाद में उससे पहले ही अक्टूबर 2023 में लायंस गेट ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए थे नॉर्थ अमेरिका और यूके के लिए जहाँ पे ये पहली ऐसी इंडियन फिल्म थी जो हॉलीवुड स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टली राइट्स ख़रीदे गए थे यूएस में तो ये पहली बार ऐसा बना हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को स्क्रीन्स भी नॉर्थ अमेरिका में करीबन हज़ार से ज़्यादा मिले हुए थे लाइन्स गेट वालों ने रोड साइड एट्रैक्शन वालों के साथ मर्ज होते हुए एसोसिएट करते हुए उन्होंने इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकली चार जुलाई 2024 में यूएस में रिलीज़ किया था इंडिया के एक दिन पहले ही इस फिल्म को यूएस में रिलीज़ करवा दिया गया था ए फिल्म्स ने इस फिल्म के इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे बेब डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इस फिल्म के अर्जेंटीना के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे गए जहाँ पे फिल्म पाँच सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस से वहाँ पर प्रीमियर करवाई जाएगी पेरिस फिल्म में इनके द्वारा ब्राज़ीलियन के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे जो उन्नीस सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस से इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे पेराडि ग्रुप एक्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहाँ पे इसके रशियन थिएट्रिकल राइट्स उन्होंने खरीदे थे जो पाँच पच्चीस जुलाई दो हज़ार चौबीस से प्रीमियर करवा दी गई तो इस तरह से अलग अलग जगह पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स बेचे गए थे काफ़ी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा इस फिल्म के राइट्स ख़रीदे गए थे जिसके चलते स्क्रीन्स इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिली हुई थी इस फिल्म का जो रीमेक है उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें सुनने को मिली थी एक जुलाई दो को जहाँ पर फिल्म रिलीज़ होने वाली थी उसे तीन चार दिन पहले ही बताया जा रहा था कि लायंस गेट और एटी सेवन इलेवन एंटरटेनमेंट वालों ने इसके रीमेक के राइट्स ख़रीदे हुए जहाँ पे इससे पहले उन्होंने जॉन विक फ्रेंचाइज में भी इसमें काम किया हुआ था तो उन्होंने अनाउंस किया कि इस फिल्म की इंग्लिश रिमेक वो लोग बनाने वाले बाद में लेटर ऑन बताया गया था कि जो रीमेक्स है जो दूसरी लैंग्वेज में बनेगी अदर देन इंग्लिश वन ऐसा बताया जा रहा था बाद में धर्मा प्रोडक्शन इसे एक इस नोटिस किया हुआ था कि कोई भी लैंग्वेज में किल के रीमेक नहीं बनने वाली तो इस तरह से ये सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हुई थी बाद में इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने क्रिटिक्स की तरफ से जो एक्शन सिक्वेंस है उसकी काफ़ी तारीफ सुनी जहाँ पर इस फिल्म के लीड कास्ट में राघव जुयाल और जिस तरह से लक्ष्य को फिल्म फिल्माया गया था उनको जिस तरह से दिखाया गया था उनकी तारीफ की गई थी ट्रेन में जो छोटी सी जगह में जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस उन्होंने कोरियोग्राफ किए गए थे जिस तरह से एक्टर्स के द्वारा डिलीवर किया गया था सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से उसको हमारे सामने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा हद से तारीफ़ की गई थी जहाँ पर लोगों को भी ये सभी चीज़ें काफ़ी पसंद आई थी तो एक फिल्म में देखा जाए तो थोड़े पाँच दस मिनट के बाद ही रियल एक्शन स्टार्ट करवा दिया जाता है जहाँ पे पहले स्टार्टिंग में पाँच दस मिनट जितना इस फिल्म को थोड़ा बहुत सेटअप किया जाता है और उसके बाद में जो सेटअप हो जाता है उसके बाद में इस फिल्म में ओनली एक्शन देखने को मिलता है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था वैसे एक आर रेटेड फिल्म मानी गई थी बाहर देश के लिए और इंडिया में ए रेटेड फिल्म कर कहलाई गई थी क्योंकि अपने एक्शन सिक्वेंस और Uh, साथ ही में जो वायलेंस है उसके चलते अब बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म ने पहले दिन इंडिया से करीबन एक करोड़ पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन वर्ड ऑफ माउथ के चलते करीबन तिरसठ परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी दो करोड़ बीस लाख का कलेक्शन सैटरडे के दिन निकला था संडे के दिन इस फिल्म ने और बाईस परसेंट ग्रोथ दिखाई जिसके चलते दो करोड़ सत्तर लाख का कलेक्शन निकला इस फिल्म का पहला वीकेंड इंडिया से छः करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन निकला हुआ था उसके बाद में मंडे के दिन एक करोड़ तीस लाख ट्विट्रिक उसके बाद में इस फिल्म ने अपने सेकंड फ्राइडे के ऊपर 80 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का और संडे के दिन एक करोड़ बहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ पिचानवे लाख का निकला हुआ था और सेकंड मंडे के ऊपर फिल्म ने बहत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन अस्सी लाख का वेन्स्डे के दिन नब्बे लाख का थर्सडे के दिन तिरसठ लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक फिल्म का करीबन टोटल सात करोड़ का निकला हुआ था उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने 50 लाख का कलेक्शन किया था सैटरडे के दिन 95 लाख का और एक करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने अपने संडे के दिन तीसरे संडे के दिन निकाला हुआ था तो टोटल सत्रह दिनों के अंदर इस फिल्म ने इंडिया में करीबन करीबन बीस करोड़ छियासी लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिसका ग्रोस मकिन तो करीबन चौबीस करोड़ तिरासी लाख होता है और इसमें इस फिल्म ने करीबन अट्ठारह करोड़ सैंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म में फोर्टी थ्री करोड़ और ट्वेंटी लाख का कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा हिट का बेंच मार्क हासिल किया था, था। बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई कैसा कह सकते क्योंकि मिनिमम बजट के साथ आई हुई फिल्म ने और और इंडिया से पॉजिटिव रिस्पांस हासिल करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया हुआ था बात करें ओ राइट्स की तो फिल्म के ओ राइट्स टी डिजनी प्लस हॉस्टार के पास है तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली अगर देखना है तो डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो किल नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि खिल किल फिल्म का जो ओ वर्ज़न है वो आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देखने को मिलेगा करीबन एक मिनट पर एक घंटे और पैंतालीस मिनट के रन टाइम के साथ तो वहाँ पर फिल्म आप, आप आसानी से देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तो ये फिल्म आप, आप आसानी से वहाँ पर इन्जॉय कर पाओगे एक अच्छी फिल्म है ज़रूर देखना चाहिए किल जो 2024 में रिलीज़ की गई एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें निखिल नागेश भट्ट ने की हुई है स्टोरी स्क्रीन प्ले उनका था डायलॉग्स में उनको मदद की हुई थी आयिशा सैयद ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है करण जौहर गुनीत मोंगरा अपूर्व मेहता और अचिन जैन ने इन चार लोगों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ धर्मा प्रोडक्शन और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के अंडर एक लो मीडियम बजट में बनाई गई फिल्म है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म ने इंडिया में वहीं पे और में अमेरिका में इस फिल्म को लायंस गेट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म को इस एक इंडियन इंड फिल्म इंडस्ट्री में अब तक आई हुई एक्शन थ्रिलर फिल्मों में से सबसे ज़्यादा वायलेंट फिल्म की तरह से प्रमोट किया गया था कास्टिंग में आपको लक्ष्य देखने को मिलेंगे राघव जुआल देखने को मिलेंगे आशीष विद्यार्थी हर्ष छाया तान्या मणिकंतला और अभिषेक चौहान देखने को मिलेंगे फिल्म में टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी रफ़ी मोहम्मद ने किए हुए इस फिल्म को एडिट किया हुआ शिव कुमार वी पेनीकर ने इसको करीबन 105 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको करीबन करीबन एक घंटे और 45 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो काफ़ी क्रिस्प रन टाइम के साथ इस फिल्म को तैयार किया हुआ था सेंसर ऑफ सर्टिफिकेशन के ऊपर बातचीत करें तो सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स है वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बेचे गए थे जिसको आ, सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने खरीदा हुआ था फिल्म में टोटल चार ट्रैक थे बैकग्राउंड स्कोर केतन सोधा के, के द्वारा कंपोज किया गया था सॉन्ग से वो विक्रम मोन्तरो से शाश्वत सचदेवा और हारून गाविन ने कंपोज किए हुए वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो लक्ष्य इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर करे अमृत का इसके अलावा राघव जोहैल इसमें इंटागोनिस का रोल प्ले करे फनी का तनिया मनिकर्णतला इसमें तुलिका का रोल प्ले कर रही है अभिषेक चौहान ने वीरेश का रोल प्ले किया हुआ है आशीष विद्यार्थी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे तुलिका के रोल में सॉरी uh, आशीष विद्यार्थी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे बेनी के रोल में अद्रीजा सिन्हा ने अन आहना का रोल प्ले किया हुआ है हर्ष छाया के द्वारा इस फिल्म में बालदेव सिंह ठाकुर का रोल प्ले किया गया है अवनीश पांडे ने टीटी का रोल प्ले किया हुआ है पार्थ तिवारी ने सिद्धि का रोल प्ले किया हुआ है अक्षय विचारे के द्वारा उजाला का रोल प्ले किया हुआ है जितेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा अखिलेश झा आर पी एफ पर्सनल का रोल प्ले किया हुआ है उन्होंने वहीं पे रुपेश कुमार छत्रपा पहाड़ी ने इस फिल्म में विष्णु का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको साहिला गंगुर दे देखने को मिलेंगे बदलू के रोल में इसके अलावा इस फिल्म में प्रियम गुप्ता ने कुल्ली का रोल प्ले किया है विवेक कश्यप के द्वारा मुकुंद का रोल प्ले किया गया था समीर कुमार बे बेचन के द्वारा कुमार के द्वारा बेचन का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म में कालिब लोगान देखने को मिलेंगे ब्रह्मेश्वर के रोल में मोशे स्मार्टॉन ने इसमें मुरारी का रोल प्ले किया है रियाज खान के द्वारा सूरज भान का रोल प्ले किया हुआ है शक्ति सिंह के द्वारा लड्डान का रोल प्ले किया हुआ है शिवम परमेर के परमार के द्वारा अमृत फ्रे के फ्रेंड का रोल प्ले किया और बिलाल काजी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इस फिल्म में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रफ़ी मोहम्मद ने की हुई है वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन करीबन इस फिल्म को जब बनाया गया था उसके बाद में तुरंत ही टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में धर्मा प्रोडक्शन और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के द्वारा वहाँ पर उससे पहले एक महीने के पहले ही वहाँ पर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में अनाउंस किया हुआ था कि एक किल करके वो फिल्म बनाने वाले जिसको निखिल नागेश भट्ट डायरेक्ट करेंगे जहाँ पे ये पहले कंटेंट का पार्टनरशिप वहाँ पे अनाउंस की गई थी मई 2023 में वहीं पे बाद में इस फिल्म को टोरंट टोरंटो इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में लेटर ऑन एक दो तीन महीनों के बाद प्रीमियर भी करवाया गया था वैसे फिल्म की शूटिंग तो काफ़ी इनिशियल डेज में स्टार्ट करवा दी गई थी लेकिन अनाउंसमेंट थी वो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में मई 2023 में करवाई गई थी बाद में सुभाष के जारा के द्वारा फिल्म के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट का इंटरव्यू लिया गया था वहाँ पे उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में एक्टर एम एम एस आर्टिस्ट के द्वारा उनको ट्रेन किया गया है वहीं पे नागेश भट्ट के द्वारा ये भी बताया गया था इंटरव्यू में किल की एक औरिजिनल लाइफ जो रियल लाइफ में ट्रेन में एक रोबरी हुई थी नाइनटीन नाइन्टी फाइव में उससे इंस्पायर होकर तैयार की गई है तो ये फ़िल्म के प्रोडक्शन में सभी चीज़ें हुई थी बाद में इस फिल्म को शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया गया था और लेटर ऑन म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग करते हुए फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास म्यूजिक के राइट से बारह मिनट अट्ठावन सेकंड का साउंड ट्रैक है फिल्म में टोटल सभी ट्रैक मिला ले तो चार गाने सुनने को मिलेंगे सभी गानों को कंपोज किया हुआ है अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के द्वारा जहाँ पे इस फिल्म का पहला गाना टाइटल ट्रैक किल कावा कावा जिसको लिखा हुआ था शाश्वत सतदेव ने म्यूजिक भी उनका ही था सिंगर थे सुधीर यदुवंशी सांझवी शाश्वत सद्य वहीं पे सेकंड गाना था निकट जिसको गाया हुआ जिसको लिखा हुआ था सिद्धांत कौशल ने हरुण गाविन ने म्यूजिक दिया था रेखा भारद्वाज ने गाया था जागोरा के साइया गाने को लिखा हुआ है शेखर अस्तित्व ने वहीं पे विक्रम मंत्रोसो ने म्यूजिक दिया था मोनू राठौड़ विक्रम मोन्त्रोसो के द्वारा गवाया गया था निकट का जो डांस वर्जन था उसको सिद्धांत कौशल ने लिखा था हरुण गविंद ने म्यूज़िक दिया था और शाश्वत सिंह ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रिक थे जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया था पाँच जुलाई दो तक इन सभी गानों को रिलीज किया हुआ था तो ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सोन म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो किल फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है वहाँ पे सात सितंबर 2023 को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ओर्स इसके राइट्स लाइंस गेट वालों ने लेटर ऑन खरीदे हुए थे जहाँ पे उसके बाद में रीमेक के ऊपर भी बातचीत की गई थी वैसे इस फिल्म को बाद में इंडिया में पाँच जुलाई दो को थिएट्रिकली रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इंडिया के साथ साथ इस फिल्म को और इसमें भी रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज़ जब 5 जुलाई 2024 की फिक्स की गई थी उससे प... उसके बाद में उससे पहले ही अक्टूबर 2023 में लायंस गेट ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ख़रीदे हुए थे नॉर्थ अमेरिका और यूके के लिए जहाँ पे ये पहली ऐसी इंडियन फिल्म थी जो हॉलीवुड स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टली राइट्स ख़रीदे गए थे यू में तो ये पहली बार ऐसा बन हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को स्क्रीन्स भी नॉर्थ अमेरिका में करीबन हज़ार से ज़्यादा मिले हुए थे लायंस गेट वालों ने रोड साइड अट्रैक्शन वालों के साथ मर्ज होते हुए एसोसिएट करते हुए उन्होंने इस फिल्म को बाद में थिएट्रिकली चार जुलाई 2024 में यूएस में रिलीज़ किया था इंडिया के एक दिन पहले ही इस फिल्म को यूएस में रिलीज़ करवा दिया गया था ए फिल्म्स ने इस फिल्म के इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए थे जहाँ पे बेब डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इस फिल्म के अर्जेंटीना के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ख़रीदे गए जहाँ पे फिल्म पाँच सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस से वहाँ पर प्रीमियर करवाई जाएगी पेरिस फिल्म में इनके द्वारा ब्राज़ीलियन के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे गए थे जो उन्नीस सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस से इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे पेराडिश ग्रुप एक्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहाँ पे इसके रशियन थिएट्रिकल राइट्स उन्होंने खरीदे थे जो पाँच पच्चीस जुलाई दो हज़ार चौबीस से प्रीमियर करवा दी गई तो इस तरह से अलग अलग जगह पे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स बेचे गए थे काफ़ी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे गए थे जिसके चलते स्क्रीनस इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिली हुई थी इस फिल्म का जो रीमेक है उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें सुनने को मिली थी एक जुलाई दो को जहाँ पर फिल्म रिलीज़ होने वाली थी उसे तीन चार दिन पहले ही बताया जा रहा था कि लायंस गेट और एटी सेवन इलेवन एंटरटेनमेंट वॉलोनीस के रीमेक के राइट्स ख़रीदे हुए जहाँ पे इससे पहले उन्होंने जो विक फ्रेंचाइज में भी इस में काम किया हुआ था तो उन्होंने अनाउंस किया कि इस फिल्म की इंग्लिश रीमेक वो लोग बनाने वाले बाद में लेटर ऑन बताया गया था कि जो रिमेक्स है जो दूसरी लैंग्वेज में बनेगी अदर देन इंग्लिश वन ऐसा बताया जा रहा था बाद में धर्मा प्रोडक्शन इसे एक ईश्यू इस नोटिस किया हुआ था कि कोई भी लैंग्वेज में किल के रिमेक नहीं बनने वाली तो इस तरह से ये सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई हुई थी बाद में इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन बहत्तर सौ वोट हासिल किए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने क्रिटिक्स की तरफ से जो एक्शन सीक्वेंस है उसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी जहाँ पे इस फिल्म के लीड कास्ट में राघव जुयाल और जिस तरह से लक्ष्य को फिल्म फिल्माया गया था उनको जिस तरह से दिखाया गया था उनकी तारीफ की गई थी ट्रेन में जो छोटी सी जगह में जिस तरह से एक्शन सीक्वेंस उन्होंने कोरियोग्राफ किए गए थे जिस तरह से एक्टर्स के द्वारा डिलीवर किया गया था सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से उसको हमारे सामने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा हद से तारीफ़ की गई थी जहाँ पर लोगों को भी ये सभी चीज़ें काफ़ी पसंद आई थी तो एक फिल्म में देखा जाए तो थोड़े पाँच दस मिनट के बाद ही रियल एक्शन स्टार्ट करवा दिया जाता है जहाँ पे पहले स्टार्टिंग में पाँच दस मिनट जितना इस फिल्म को थोड़ा बहुत सेटअप किया जाता है और उसके बाद में जो सेटअप हो जाता है उसके बाद में इस फिल्म में ओनली एक्शन देखने को मिलता है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था वैसे एक आर रेटेड फिल्म मानी गई थी बाहर देश के लिए और इंडिया में ए रेटेड फिल्म कर कहलाई गई थी क्योंकि अपने एक्शन सिक्वेंस हो रहा Uh, साथ ही में जो वायलेंस है उसके चलते अब बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म ने पहले दिन इंडिया से करीबन एक करोड़ पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन वर्ड ऑफ माउथ के चलते करीबन तिरसठ परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी दो करोड़ बीस लाख का कलेक्शन सैटरडे के दिन निकला था संडे के दिन इस फिल्म ने और बाईस ग्रोथ दिखाया जिसके चलते दो करोड़ सत्तर लाख का कलेक्शन निकला इस फिल्म का पहला वीकेंड इंडिया से छः करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन निकला हुआ था उसके बाद में मंडे के दिन एक करोड़ तीस लाख ट्विटर दिन करोड़ अपने सेकंड फ्राइडे के ऊपर 80 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तिरतालीस लाख का और संडे के दिन एक करोड़ बहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ पिचानवे लाख का निकला हुआ था और सेकंड मंडे के ऊपर फिल्म ने बहत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन अस्सी लाख का वेन्स्डे के दिन नब्बे लाख का थर्सडे के दिन तिरसठ लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक फिल्म का करीबन टोटल सात करोड़ का निकला हुआ था उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने 50 लाख का कलेक्शन किया था सैटरडे के दिन 95 लाख का और एक करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने अपने संडे के दिन तीसरे संडे के दिन निकाला हुआ था तो, तो टोटल सत्रह दिनों के अंदर इस फिल्म ने इंडिया में करीबन करीबन बीस करोड़ छियासी लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जिसका ग्रोस मकने तो करीबन चौबीस करोड़ तिरासी लाख होता है और इसमें इस फिल्म ने करीबन कर अट्ठारह करोड़ सैंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने फोर्टी थ्री करोड़ और ट्वेंटी लाख का कलेक्शन करते हुए एक अच्छा खासा हिट का बेंच मार्क हासिल किया था बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई कैसा कह सकती क्योंकि मिनिमम बजट के साथ आई हुई फिल्म ने ओवरसोर और और ओवरसीज और इंडिया से पॉजिटिव रिस्पांस हासिल करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया हुआ था बात करें ओटीटी राइट्स की तो फिल्म के ओटीटी राइट्स डिजनी प्लस हॉटस्टार के पास है तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली अगर देखना है तो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो किल नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि खिल कील फिल्म का जो ओ वर्जन है वो आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगा करीबन एक मिनट पर एक घंटे और पैंतालीस मिनट के रन टाइम के साथ तो वहाँ पर ये फ़िल्म आप, आप आसानी से देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो ये फिल्म आप, आप आसानी से वहाँ पर इन्जॉय कर पाओगे एक अच्छी फिल्म ज़रूर देखना चाहिए तो बस गाय स्किल फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है प्रोडक्शन के ऊपर भी एक डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया हुआ है साथ ही में फिल्म से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट है वो भी मैंने शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू